अवतार जेम्स कैमरून के अवतार के रूप में विपणन 2009 हज़ार नौ की एक महाकाव्य विज्ञान कथा फिल्म है जो जेम्स कैमरून द्वारा निर्देशित लिखित सह निर्मित और सह संपादित है और इसमें सैम वर्थिंगटन जो सल्दाना स्टीफन लैंग मिशेल रॉड्रिक्स और सिगोर्नी वीवर ने अभिनय किया है यह अवतार फिल्म श्रृंखला की पहली किश्त है यह बाईसवीं सदी के मध्य में स्थापित है जब मनुष्य मूल्यवान खनिज अन्न ओपटेनियम का खनन करने के लिए अल्फा सेंचौरी तारा प्रणाली में एक गैस विशाल कहरे भरे रहने योग्य चंद्रमा पेंडोरा का उपनिवेश कर रहे थे एक हनन कॉलोनी के विस्तार से नाविकी एक स्थानीय जनजाति के निरंतर अस्तित्व को खतरा है जो पेंडोरा की मूल निवासी एक मानव प्रजाति है फिल्म का शीर्षक आनुवंशिक रूप से इंजीनियर के किए गए नावी शरीर जो दूर स्थित मानव के मस्तिष्क से संचालित होता है जिसका उपयोग पेंडोरा के मूल निवासियों के साथ बातचीत करने के लिए किया जाता है अवतार का विकास उन्नीस में शुरू हुआ जब जेम्स कैमरून ने फिल्म के लिए 80 पेज का ट्रीटमेंट लिखा फिल्मांकन कैमरून की उन्नीस की फिल्म टाइटेनिक के पूरा होने के बाद उन्नीस में नियोजित रिलीज के लिए होना था हालांकि कैमरून के अनुसार फिल्म के बारे में उनके दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए आवश्यक तकनीक अभी तक उपलब्ध नहीं थी नावी की भाषा पर काम 2005 में शुरू हुआ और कैमरून ने 2006 की शुरुआत में पटकथा और काल्पनिक ब्रह्मांड का विकास शुरू किया नए की अभूतपूर्व श्रृंखला के कारण अवतार का आधिकारिक तौर पर बजट दो मिलियन डॉलर था कैमरून ने वेलिंगटन में वेटा डिजिटल के सहयोग से दृश्य प्रभाव हासिल किया अन्य अनुमानों के अनुसार उत्पादन के लिए लागत डॉलर दो मिलियन से डॉलर तीन मिलियन के बीच और प्रचार के लिए डॉलर एक सौ पचास मिलियन के बीच है फिल्म में नई मोशन कैप्चर फिल्मांकन तकनीकों का व्यापक उपयोग किया गया और इसे पारंपरिक देखने थ्री देखने रियल डी थ्री डी डॉल बी थ्री डी एक्सपेन डी थ्री डी और आई एम एक्स थ्री डी प्रारूपों का उपयोग करके और फोर डी के लिए जारी किया गया चयनित दक्षिण कोरियाई थिएटरों में अनुभव अवतार का प्रीमियर दस दिसंबर दो हज़ार नौ को लंदन में हुआ और इसे सकारात्मक समीक्षा के साथ अट्ठारह दिसंबर दो हज़ार नौ को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज़ किया गया आलोचकों ने इसके अभूतपूर्व दृश्य प्रभावों की अत्यधिक प्रशंसा की हालांकि कहानी को पूर्वानुमित माना गया था अपने नाटकीय प्रदर्शन के दौरान फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए जिसमें अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनना भी शामिल है जुलाई 2019 में इस स्थान को एवेंजर्स एंड गेम ने पीछे छोड़ दिया लेकिन बाद में पुनः रिलीज के साथ मार्च 2021 में चीन से शुरुआत करते हुए यह तब से सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई मुद्रास्फीति के लिए समायोजित अवतार गॉन विद द विंड के बाद अब तक की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फ़िल्म है जिसकी कुल कमाई डॉलर तीन पॉइंट पाँच बिलियन से थोड़ी अधिक है यह डॉलर दो से डॉलर बिलियन, से डॉलर बिलियन से अधिक की कमाई करने वाली पहली फ़िल्म है जिसकी कुल कमाई डॉलर तीन पॉइंट पाँच बिलियन से थोड़ी अधिक है डॉलर 2 बिलियन से अधिक की कमाई करने वाली फ़िल्म और संयुक्त राज्य अमेरिका में दो का सबसे अधिक बिकने वाला वीडियो खिताब भी बन गई अवतार को बयासीवें अकेडमी पुरस्कारों में नौ पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था जिसमें से उसने तीन पुरस्कार जीते और कन्या अन्य पुरस्कार प्राप्त किए फिल्म की सफलता के कारण इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं ने थ्री टेलीविज़न जारी किए और थ्री फिल्मों की लोकप्रियता में वृद्धि हुई इसकी सफलता से अवतार फ्रेंचाइजी का निर्माण हुआ जिसमें सिक्वल अवतार द वे ऑफ वाटर दो हज़ार बाईस अवतार तीन दो हज़ार पच्चीस अवतार चार और अवतार पाँच दो हज़ार इकतीस शामिल हैं कथानक इक्कीस सौ चौवन में पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो गए और पारिस्थितिक विनाश का सामना कर रहे हैं रिसोर्सेज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन आर डी ए अल्फा सेंचुरी तारा प्रणाली के एक चंद्रमा पेंडोरा पर मूल्यवान खनिज यूनो बटेनियम का खनन करता है पेंडोरा जिसका वातावरण मनुष्यों के लिए दुर्गम है दस फुट लंबे तीन पॉइंट जीरो मीटर नीली चमड़ी वाले बुद्धिमान ह्यूमनॉइड नावी का निवास है जो प्रकृति के साथ साथ भाव में रहते हैं पेंडोरा का पता लगाने के लिए अनुष्क रूप से मेल खाने वाले मानव वैज्ञानिक अवतार नामक नावी मानव संकर का उपयोग करते हैं पैराप्लेजिक मरीन जैक सुली को उसके मृत समान जुड़वा को बदलने के लिए पेंडोरा भेजा जाता है जिसने ऑपरेटर बनने के लिए साइन अप किया था अवतार कार्यक्रम के प्रमुख डॉक्टर ग्रेस ऑक्स्टीन सुली को अपर्याप्त मानते हैं लेकिन उसे अंगरक्षक के रूप में स्वीकार करते हैं ग्रेस और डॉक्टर नॉर्म स्पेलमैन के अवतारों की रक्षा करते समय जैक के अवतार पर पांडोरन वन्य जीवन द्वारा हमला किया जाता है और वह जंगल में भाग जाता है जहां उसे मादा नावी ने तेरी द्वारा बचाया जाता है जैक पर संदेह करते हुए उसे अपने कबीले में ले जाती है नतीरी की माँ माओत कबीले की आध्यात्मिक नेता अपनी बेटी को जैक को उनके समाज में शामिल करने का आदेश देती है आर के सुरक्षा बल के प्रमुख कर्नल माइस क्वारि जैक के वादा करते हैं कि अगर वैनावी और उनके एकत्रित होने की जगह विशाल होम ट्री जिसके तहत यूनो ब्रटानियम का एक समृद्ध भंडार है के बारे में जानकारी प्रदान करता है तो कंपनी उसके पैरों का उपयोग बहाल कर देगी यह जानकर ग्रेस खुद को जैक और नाम को एक चौकी में स्थानांतरित कर देती है जैसे ही जैक को जनजाति में शामिल किया गया जैक और नैतेरी को प्यार हो गया वह और नैतेरी एक दूसरे को साथी के रूप में चुनते हैं जब जैक एक पवित्र नावी साइट को धमकी देने वाले बुलडोजर को निष्क्रिय करने का प्रयास करता है तो प्रशासक पार्कर सेल्फरेज होमट्री को नष्ट करने का आदेश देता है ग्रेस के स्तर के बावजूद कि होम ट्री को नष्ट करने से पेंडोरा के जैविक तंत्रिका नेटवर्क को नुकसान हो सकता है सेल्फ्रिज ने जैक और ग्रेस को नावी को खाली करने के लिए मनाने के लिए एक घंटे का समय दिया जैक कबूल करता है कि वह एक जासूस था और नावी ने उसे और ग्रेस को बंदी बना लिया क्वारिज के सैनिकों ने होम ट्री को नष्ट कर दिया जिसमें नतीरी के पिता कबीले प्रमुख सहित कई लोग मारे गए मोआट ने जैक और ग्रेस को मुक्त कर दिया लेकिन वे अपने अवतारों से अलग हो गए और क्वारिज की सेना द्वारा कैद कर लिए गए पायलट टूडी चाकोन क्वारिज की क्रूरता से निराश होकर जैक ग्रेस और नॉम को ग्रेस की चौकी पर ले जाता है भागने के दौरान ग्रेस को गोली मार दी गई जैक ने अपने दिमाग को टोरुक से जोड़कर नावी का भरोसा दोबारा हासिल कर लिया जो एक ड्रैगन जैसा प्राणी है जिससे नावी डरता था और उसका सम्मान करता था आत्माओं के पवित्र वृक्ष पर जैक ग्रेस को ठीक करने के लिए मोआट से विनती करता है कबीले ने ट्री ऑफ सोल्स की सहायता से ग्रेस को उसके अवतार में स्थानांतरित करने का प्रयास किया लेकिन वह मर गई नए प्रमुख तसुतेई द्वारा समर्थित जैक ने कबीले को एकजुट किया और उनसे आर से लड़ने के लिए सभी कूलों को इकट्ठा करने के लिए कहा क्वारिच नेवी को हतोत्साहित करने के लिए ट्री ऑफ सोल्स के खिलाफ हड़ताल का आयोजन करता है युद्ध से पहले जैक आत्माओं के वृक्ष के साथ तंत्रिका संबंध के माध्यम से नावी देवता ईवा से प्रार्थना करता है लड़ाई में भारी हताहतों में तसूते और ट्रडी भी शामिल है नावी को तब बचाया जाता है जब पेंडोरन वन्य जीव अप्रत्याशित रूप से हमले में शामिल हो जाते हैं और मनुष्यों पर हावी हो जाते हैं जिसे नैति ने इवा द्वारा जैक की प्रार्थना का उत्तर देने के रूप में व्याख्या की है ए एम पी सूट पहने क्वारिज अपने दुर्घटनाग्रस्त विमान से बच जाता है और जैक के मानव शरीर वाले अवतार लिंक यूनिट को तोड़ देता है जिससे वह पेंडोरा के जहरीले वातावरण के संपर्क में आ जाता है जैसे ही क्वारिज जैक के अवतार का गला काटने की तैयारी करता है उसे नेतेरी द्वारा मार दिया जाता है जो जैक को पहली बार उसके मानव रूप को देखकर दम घुटने से बचाता है जैक नॉर्म और कुचुनिंदा अन्य लोगों को छोड़कर सभी मनुष्यों को पेंडोरा से निष्कासित कर दिया गया है ट्री ऑफ सोल्स की सहायता से जैक को स्थायी रूप से उसके अवतार में स्थानांतरित कर दिया गया है ढालना अधिक जानकारी अवतार का काल्पनिक ब्रह्मांड सैम वर्थिंग डन बाएँ और जो सल्ताना दाएँ जो फिल्म में मुख्य भूमिका निभाते हैं सैम वर्थिंग डन कारपोरल जैक सूली के रूप में एक विकलांग पूर्व मरीन जो अपने जुड़वा भाई की हत्या के बाद अवतार कार्यक्रम का हिस्सा बन जाता है उनकी सैन्य पृष्ठभूमि नावी योद्धाओं को उनसे जुड़ने में मदद करती है दुनिया भर में होनहार युवा अभिनेताओं की तलाश के बाद कैमरून ने ऑस्ट्रेलियाई अभिनेता को कास्ट किया और बजट कम रखने के लिए अज्ञात कलाकारों को प्राथमिकता दी वर्थिंगटन जो उस समय अपनी कार में रह रहे थे ने विकास की शुरुआत में दो बार ऑडिशन दिया सत्यापन में विफल और उन्होंने संभावित सिक्वल के लिए हस्ताक्षर किए हैं कैमरून को लगा कि चूंकि वर्थिंगटन ने कोई बड़ी फिल्म नहीं की है इसलिए वह चरित्र को एक ऐसी गुणवत्ता देंगे जो वास्तव में वास्तविक हो कैमरून ने कहा कि उनमें एक ऐसे व्यक्ति होने का गुण है जिसके साथ आप बियर पीना चाहेंगे और वह अंततः एक ऐसा नेता बन जाता है जो दुनिया को बदल देता है सत्यापन विफल कैमरून ने फिल्म के मुनाफे में दस प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ मैट डैमन को भूमिका की पेशकश की लेकिन डैमन ने बॉर्न फिल्म श्रृंखला के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के कारण फिल्म को ठुकरा दिया वर्थिंगटन भी संक्षेप में जैक के मृत समान जुड़वा टॉमी के रूप में दिखाई देता है जो सल्ताना नेतरी ने तस्काहा मो आटाइट के रूप में ओमा टिकाया कहानी के केंद्र में नावी कबीला के नेताओं की बेटी है वह जैक की बहादुरी के कारण उसकी ओर आकर्षित होती है हालांकि वह उसके भोलेपन और मूर्खता के कारण उससे निराश होती है वह जैक की प्रेमिका के रूप में काम करती है वह चरित्र सभी नावी की तरह प्रदर्शन कैप्चर का उपयोग करके बनाया गया था और इसका दृश्य पहलू पूरी तरह से कंप्यूटर से तैयार किया गया है सलदाना ने संभावित सिक्वल के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए स्टीफन लैंग कर्नल माइस क्वारिज के रूप में खनन अभियान के सुरक्षा विवरण के प्रमुख मानव के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं किए गए किसी भी जीवन के प्रति उसकी घोर अपेक्षा के कारण उसके मन में पेंडोरा के निवासियों के प्रति गहरी उपेक्षा है जो उसके कार्य और उसकी भाषा दोनों में स्पष्ट है लैंग ने कैमरून की एलियंस उन्नीस में एक भूमिका के लिए असफल ऑडिशन दिया था लेकिन निर्देशक ने लैंग को याद किया और अवतार के लिए उनकी तलाश की माइकल वीहन जिन्होंने एलियंस द टर्मिनेटर और टर्मिनेटर दो जजमेंट डे में कैमरून के साथ काम किया था जो इस भूमिका के लिए संक्षेप में विचार किया गया था उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी और कैमरून के साथ कुछ थ्री डी फुटेज देखे लेकिन अंततः उन्हें कास्ट नहीं किया गया टू डी चाकोन के रूप में मिशेल रॉड्रिक्स एक लड़ाकू पायलट जिसे अवतार कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए नियुक्त किया गया था जो नावी के प्रति सहानुभूति रखता है कैमरून रॉड्रिक्स को गल्फ फाइट में देखने के बाद से ही उसके साथ काम करना चाहते थे पार्कर सेल्फ्रिज के रूप में जियो वन रिप्सी आर खनन ऑपरेशन के लिए कॉरपोरेट प्रशासक हालांकि वह पहले तो कंपनी की निचली रेखा को बनाए रखने के लिए नावी सभ्यता को नष्ट करने को तैयार हैं लेकिन वह नावी पर हमलों को अधिग्रहित करने और उसकी छवि को धूमिल करने के लिए अनिच्छुक हैं इसके बाद ही वह ऐसा कर सकता है क्वारिज ने उसे समझाया कि यह आवश्यक है और हमले मानवीय होंगे जब हमलों को बेस पर प्रसारित किया जाता है तो सेल्फ्रिज हिंसा प्रदर्शित करता है डॉक्टर नॉर्म स्पेलमैन के रूप में जॉयल डेविड मोर एक जेनो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो अवतार कार्यक्रम के हिस्से के रूप में पौधों और जानवरों के जीवन का अध्ययन करते हैं वह जैक के साथ ही पेंडोरा पहुंचता है और एक अवतार का संचालन करता है हालांकि उनसे नावी के साथ राजनीतिक संपर्क का नेतृत्व करने की उम्मीद की जाती है लेकिन यह पता चलता है कि जैक के पास मूल निवासियों का सम्मान जीतने के लिए बेहतर व्यक्तित्व है मूर ने स्पैलमैन के नावी अवतार को भी चित्रित किया है मो आर्ट के रूप में सी सी एच पाउंडर टिक्कििया के आध्यात्मिक नेता नेतेरी की माँ और कबीले नेता ई चुकन की पत्नी हम कौन ते तस्काहा कमू निटान ओमा टिक्किया के कबीले नेता नेतेरी के पिता और मोआट के साथी के रूप में अध्ययन करते हैं तसुते ते रोंगोला अटे इतान के रूप में लाज अलोंसो ओमा टिकाया का सबसे बेहतरीन योद्धा व जनजाति के मुखिया पद का उत्तराधिकारी है फिल्म की कहानी की शुरुआत में उसकी मंगनी तेरी से होती है डॉक्टर ग्रेस ऑक्सटीन के रूप में सिगोरनी बीवर एक एक्सोबायोलॉजिस्ट और अवतार कार्यक्रम के प्रमुख है वसूली की गुरु भी है और नावी के साथ शांतिपूर्ण संबंधों की समर्थक भी है उन्होंने उन्हें अंग्रेजी सिखाने के लिए एक स्कूल की स्थापना की है बीवर ने ग्रेस के नावी अवतार को भी चित्रित किया है डॉक्टर मैक्स पटेल के रूप में दिलीप राव एक वैज्ञानिक जो अवतार कार्यक्रम में काम करते हैं और आरडीए के खिलाफ जैक के विद्रोह का समर्थन करने आते हैं मैट कारपोरल लाइल वैन फ्लेट के रूप में एक भाड़े का मानव सैनिक जो क्वारिज के दाहिने हाथ के रूप में आर के लिए काम करता है इसके अतिरिक्त एलिसिया वेला वैली टैरंगी कबीले के, के नी सायला युवा शिकारियों में से एक जो जैक के साथ उसके इक निमाया के दौरान जाती है और एक बार में उत्पीड़ित गौरी महिला के रूप में दिखाई देती है जिसका जैक बचाव करता है वेला वैली ने जो सलदाना के लिए स्टंट डबल के रूप में काम किया और बाद में अवतार द वे ऑफ वाटर में जेडिनसर को चित्रित किया टेरी नोट्री जिन्होंने स्टंट भी किया मोशन कैप्चर के माध्यम से बंशीज बजाते हैं दिसंबर 2009 में हॉलीवुड वॉक ऑफ नेम फेम पर निर्देशक लेखक और निर्माता जेम्स कैमरून उन्नीस में, में निर्देशक जेम्स कैमरून ने अवतार के लिए 80 पन्नों की एक पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने अपने बचपन में पढ़ी गई हर एक विज्ञान कथा पुस्तक के साथ साथ एडगर राइस बरोज और एच राइडर हैगॉर्ड के साहसिक उपन्यासों से प्रेरणा ली जब वह 19 वर्ष के थे तब उन्हें सपने में फिल्म के कुछ हिस्से भी आए थे उन्होंने फाइबर ऑप्टिक पेड़ों फैन चिपकलियों, बायोल्यूमिनेसेंट कणों वाली एक नदी और बैंगनी काई के साथ एक बायोल्यूमिनसेंट जंगल का सपना देखा था जो किसी के कदम रखने पर चमक उठता था जब वह उठे तो उन्होंने इस दृश्य का चित्र बनाया और बाद में उसे फिल्म में इस्तेमाल किया अगस्त उन्नीस में कैमरून ने घोषणा की कि टाइटैनिक को पूरा करने के बाद वह अवतार फिल्म बनाएंगे जिसमें सिंथेटिक या कंप्यूटर जनित अभिनेताओं का उपयोग किया जाएगा इस परियोजना की लागत डॉलर सौ मिलियन होगी और इसमें प्रमुख भूमिकाओं में कम से कम छः अभिनेता शामिल होंगे जो वास्तविक प्रतीत होते हैं लेकिन भौतिक दुनिया में मौजूद नहीं है विजुअल इफेक्ट हाउस डिजिटल डोमेन जिसके साथ कैमरून की साझेदारी है इस परियोजना में शामिल हो गया जिसे उन्नीस सौ निन्यानवे के रिलीज़ के लिए उन्नीस सौ सत्तानवे के मध्य में उत्पादन शुरू करना था हालांकि कैमरून को लगा कि तकनीक ने उस कहानी और दृष्टिकोण को नहीं पकड़ा है जिसे वह बताना चाहते थे उन्होंने अगले कुछ वर्षों तक वृत्तचित्र बनाने और प्रौद्योगिकी को परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया ब्लूमबर्ग बिजनेस वीक की कवर स्टोरी में यह खुलासा हुआ कि बीसवीं सेंचुरी फॉक्स ने अवतार के लिए एक प्रूफ ऑफ़ कंसेप्ट क्लिप फिल्माने के लिए कैमरून को 10 मिलियन डॉलर देने का वादा किया था जिसे उन्होंने अक्टूबर 2005 में फॉक्स के अधिकारियों को दिखाया था फरवरी 2006 में कैमरून ने खुलासा किया कि उनकी फिल्म प्रोजेक्ट 880 अवतार का एक नया संस्करण थी एक फ़िल्म जिसे उन्होंने वर्षों पहले बनाने की कोशिश की थी कंप्यूटर जनित पात्रोग किंग के निर्माण में तकनीकी प्रगति का हवाला देते हुए कॉन्ग और डेवी जोन्स कैमरून ने पिछले वर्ष पाँच दिवसीय कैमरा परीक्षण पूरा करने के बाद अपने प्रोजेक्ट बैटल एंजल के साथ स्थान पर अवतार को चुना था विकास जनवरी से अप्रैल 2006 तक कैमरून ने पटकथा पर काम किया और फिल्म के एलियंस नावी के लिए एक संस्कृति विकसित की उनकी भाषा यू एस सी के भाषा विद फ्रॉमर द्वारा बनाई गई थी नावी भाषा में लगभग एक हज़ार शब्दों का शब्दकोश है जिसमें से लगभग तीस कैमरून द्वारा जोड़े गए हैं जीव के स्वरों में विशेषण व्यंजन जैसे कि एस के एक्स ऑंग में के एक्स शामिल है जो अमहारिक में पाए जाते हैं और प्रारंभिक एनर्जी जो कैमरून ने तो रेओ माओरी से लिया होगा अभिनेत्री सिगोरनी विवर और फिल्म के सेट डिज़ाइनरों ने वनस्पति विज्ञानियों द्वारा पौधों के अध्ययन और नमूने लेने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधियों के बारे में जानने और समझने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय रिवर साइड में प्लॉट फिजियोलॉजी के प्रोफेसर जोड़ी एस होल्ट से मुलाकात की फिल्म में जीवों के बीच संचार को दर्शाया गया है 2005 से 2007 तक कैमरून ने चित्रों और भौतिक मूर्तियों के साथ नावी के डिज़ाइन को आकार दिया है प्रसिद्ध फैंटेसी चित्रकार वैन बार्लो और प्रसिद्ध अवधारणा कलाकार जोड्रू शैल सहित कुछ डिज़ाइनरों के साथ काम किया जब कैमरून को लगा कि थ्री डी ब्रश रेंडरिंग की जा सकती है उनकी दृष्टि पर कब्जा न करते हुए अक्सर कैमरून के मालिव घर की रसोई में एक साथ काम करते हैं जुलाई 2006 में कैमरून ने घोषणा की कि वह अवतार फिल्म को 2008 के मध्य में रिलीज़ करेंगे और फरवरी 2007 तक स्थापित कलाकारों के साथ मुख्य फोटोग्राफी शुरू करने की योजना बनाई अगले अगस्त में विजुअल इफेक्ट्स स्टूडियो वेटा डिजिटल ने कैमरून को अवतार के निर्माण में मदद करने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किया स्टैन विंस्टन जिन्होंने पहले कैमरून के साथ सहयोग किया था फिल्म के डिज़ाइन में मदद करने के लिए अवतार में शामिल हुए फिल्म के निर्माण डिजाइन में कई साल लग गए फिल्म में दो अलग अलग प्रोडक्शन डिजाइनर और दो अलग अलग कला विभाग थे जिनमें से एक पेंडोरा की वनस्पतियों और जीवों पर केंद्रित था और दूसरा जिसने मानव मशीनों और मानव कारकों का निर्माण किया सितंबर 2006 में कैमरून को 3D में फिल्मांकन के लिए अपने स्वयं के रियलिटी कैमरा सिस्टम का उपयोग करने की घोषणा की गई थी गहराई की अनुभूति पैदा करने के लिए सिस्टम एक ही कैमरा बॉडी में दो हाई डेफिनेशन कैमरों का उपयोग करेगा जब ये तैयारियां चल रही थी फॉक्स कैमरों की पिछली तस्वीर टाइटैनिक पर लागत में वृद्धि और देरी के अपने दर्दनाक अनुभव के कारण अवतार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में डगमगाता रहा टाइटैनिक के के निर्माण दौरान ने कई पात्रों की भूमिकाओं को मिलाकर कथानक को सुव्यवस्थित करने के लिए स्क्रिप्ट को फिर से लिखा और अगर फिल्म व्यावसायिक रूप से निराशाजनक रही तो अपनी फीस में कटौती करने की पेशकश की कैमरून ने फिल्म के अनिश्चित भविष्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए सहनिर्माता जॉन लैंडो के कार्यालय के बाहर एम्बर सिग्नल के साथ एक ट्रैफिक लाइट लगाई 2006 के मध्य में फॉक्स ने कैमरून को बिना किसी संदेह के बताया कि वे इस फिल्म को आगे बढ़ा रहे हैं इसलिए उन्होंने इसे अन्य स्टूडियो में खरीदना शुरू कर दिया और वॉल्ट स्टूडियो से संपर्क किया ऑडियो आइकन शक्ता दिसंबर 2006 में कैमरून ने अवतार को 200 साल बाद एक ग्रह पर स्थापित एक भविष्य की कहानी पर्यावरणीय विवेक के साथ एक पुराने जमाने की जंगल साहसिक कहानी जो कहानी कहने के एक पौराणिक स्तर की आकांक्षा करती है के रूप में वर्णित किया जनवरी 2007 की प्रेस विज्ञप्ति में फिल्म में मुक्ति और क्रांति की एक भावनात्मक यात्रा के रूप में वर्णित किया गया था और कहा गया था कि कहानी एक घायल पूर्व नौसैनिक की है जो अनिच्छा से जैव विविधता से समृद्ध एक विदेशी ग्रह पर बसने और उसका दोहन करने के प्रयास में लगा हुआ है अंततः अस्तित्व की लड़ाई में स्वदेशी जाति का नेतृत्व करने के लिए पार हो गया कहानी एक संपूर्ण विश्व की होगी जिसमें काल्पनिक पौधों और प्राणियों का एक पारिस्थितिकी तंत्र और एक समृद्ध संस्कृति और भाषा वाले मूल निवासी शामिल होंगे अनुमान के अनुसार फिल्म के निर्माण की लागत लगभग डॉलर दो से तीन मिलियन और विपणन के लिए अनुमानित डॉलर 150 मिलियन है यह देखते हुए कि लगभग डॉलर 30 मिलियन टैक्स क्रेडिट से स्टूडियो और उसके फाइनेंसरों पर वित्तीय प्रभाव कम हो जाएगा एक स्टूडियो प्रवक्ता ने कहा कि बजट दो मिलियन डॉलर था प्रचार के लिए 150 मिलियन डॉलर के साथ कहानी का अंत फिल्म आने अवतार के लिए मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2007 में लॉस एंजेलस और वेलिंगटन में शुरू हुई कैमरून ने फिल्म को कंप्यूटर जनरेटेड पात्रों और लाइव वातावरण के संयोजन में पूर्ण लाइव एक्शन सूट के साथ एक हाइब्रिड के रूप में वर्णित किया कैमरून ने कहा आदर्श रूप से दिन के अंत में दर्शकों को पता नहीं चलता कि वे क्या देख रहे हैं निर्देशक ने संकेत दिया कि वह पहले ही फिल्म के गैर प्रमुख दृश्यों पर चार महीने काम कर चुके हैं लाइव एक्शन को कैमरून और विन्स पेस द्वारा निर्मित विकसित मालिकाना डिजिटल थ्री के फ्यूजन कैमरा सिस्टम के संशोधित संस्करण के साथ शूट किया गया था जनवरी 2007 में फॉक्स ने घोषणा की थी कि अवतार के लिए थ्री डी फिल्मांकन चौबीस फ्रेम प्रति सेकंड पर किया जाएगा जबकि कैमरून की मजबूत फॉक्स ने घोषणा की थी कि स्टॉबिक को कम ध्यान देने योग्य बनाने के लिए थ्री फिल्म के लिए उच्च फ्रेम दर की आवश्यकता होती है कैमरून के अनुसार फिल्म सिक्सटी कंप्यूटर जनित तत्व और चालीस शीर्षक लाइव एक्शन के साथ-साथ पारंपरिक लघु चित्रों से बनी है लॉस एंजेलिस में पलाया विस्टा में ह्यूजेस एयरक्राफ्ट स्टेज पर मोशन कैप्चर फिल्मोग्राफी फोटोग्राफी 31 दिनों तक चली लाइव एक्शन फोटोग्राफी अक्टूबर 2007 में वेलिंगटन के स्टोन स्ट्रीट स्टूडियो में शुरू हुई और 31 दिनों तक चलने वाली थी 1000 से अधिक लोगों ने उत्पादन पर काम किया फिल्मांकन दृश्यों की तैयारी में सभी अभिनेताओं ने अपने पात्रों के लिए विशिष्ट पेशेवर प्रशिक्षण लिया जैसे तीरंदाजी घुड़सवारी आगन्य अस्त्र का उपयोग और हाथ से हाथ का मुकाबला उन्होंने फिल्म के लिए बनाई गई नावी भाषा में भाषा और बोली का प्रशिक्षण प्राप्त किया फिल्म की शूटिंग से पहले कैमरून ने साउंड स्टेज पर शूटिंग से पहले वर्षावन की सेटिंग का अनुभव लेने के लिए कलाकारों को हवाई उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों में भी भेजा था फिल्मांकन के दौरान कैमरून ने अपने वर्चुअल कैमरा सिस्टम का उपयोग किया जो मोशन कैप्चर फिल्म निर्माण को निर्देशित करने का एक नया तरीका था सिस्टम वास्तविक समय में अभिनेताओं के आभासी समकक्षों को उनके डिजिटल परिवेश में दिखाता है जिससे निर्देशक को दृश्यों को समायोजित और निर्देशित करने की अनुमति मिलती है जैसे कि लाइव एक्शन की शूटिंग हो रही हो कैमरों के अनुसार यह एक बड़े शक्तिशाली गेम इंजन की तरह है अगर मैं अंतरिक्ष के माध्यम से उड़ना चाहता हूँ या अपना दृष्टिकोण बदलना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ मैं पूरे दृश्य को एक जीवित लघु चित्र में बदल सकता हूँ और इसे पचास से एक के पैमाने पर देख सकता हूँ पारंपरिक तकनीकों का उपयोग करते हुए पूरी आभासी दुनिया तब तक नहीं देखी जा सकती जब तक कि अभिनेताओं का मोशन कैप्चर पूरा नहीं हो जाता कैमरून ने कहा कि यह प्रक्रिया विनय के मूल्य या महत्व को कम नहीं करती इसके विपरीत क्योंकि बार बार कैमरा और लाइटिंग सेटअप कॉस्ट्यूम फिटिंग और मेकअप अप की आवश्यकता नहीं होती इसलिए दृश्यों को बार बार बाधित करने की आवश्यकता नहीं होती कैमरून ने इस प्रणाली को शुद्ध सृजन का एक रूप बताया जहाँ यदि आप किसी पेड़ या पहाड़ या आकाश को हिलाना चाहते हैं या दिन का समय बदलना चाहते हैं तो तत्वों पर आपका पूरा नियंत्रण होता है कैमरून ने साथ ही निर्देशकों स्टीवन स्पीलबर्ग और पीटर जैक्सन को नई तकनीक का परीक्षण करने का मौका दिया स्पीलबर्ग ने कहा मैं इसे डिजिटल मेकअप के रूप में सोचना पसंद करता हूँ संवर्धित एनिमेशन के रूप में नहीं मोशन कैप्चर निर्देशक को एक तरह की अंतरंगता में वापस लाता है जिसे अभिनेता और निर्देशक केवल तभी जानते हैं जब वे लाइव थिएटर में काम कर रहे होते हैं कैमरून को उपकरण के साथ प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए स्पील बर्ग और जॉर्ज लुकास बी सेट पर जा सकें उन दृश्यों को फिल्माने के लिए जहां सीजीआई लाइव एक्शन के साथ इंटरैक्ट करता है सिमोल कैम नामक एक अद्वितीय कैमरे का उपयोग किया गया था तो थ्री डी फ्यूज़न कैमरा और वर्चुअल कैमरा सिस्टम का विलय था सिमुल कैम के साथ वास्तविक समय में लाइव एक्शन फिल्माते समय वर्चुअल कैमरे से कैप्चर की गई या स्क्रैच से डिज़ाइन की गई सीजीआई छवियों को संवर्धित वास्तविकता के रूप में लाइव एक्शन छवियों पर लगाया जाता है और एक छोटे मॉनिटर पर दिखाया जाता है जिससे निर्देशक के लिए निर्देश देना संभव हो जाता है अभिनेता दृश्य में आभासी सामग्री से कैसे जुड़ें जलवायु परिवर्तन के बारे में कैमरून की व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के कारण उन्होंने सेट पर केवल पौधे आधारित शाकाहारी भोजन परोसने की अनुमति दी दृश्यात्मक प्रभाव नवा, चारों में पेंडोरा के जंगल जैसे विशाल क्षेत्रों को रोशन करने के लिए एक नई प्रणाली शामिल है एक मोशन कैप्चर चरण या वॉल्यूम जो पहले इस्तेमाल किए गए किसी भी चरण से छः गुना बड़ा है और चेहरे के भावों को कैप्चर करने के एक बेहतर तरीके हैं जो पूर्ण प्रदर्शन कैप्चर को सक्षम बनाता है चेहरे को कैद करने के लिए अभिनेताओं ने व्यक्तिगत रूप से बनाई गई खोपड़ी वाली टोपियाँ पहनी जिसमें अभिनेताओं के चेहरे के सामने एक छोटा कैमरा लगा हुआ था उनके चेहरे के हाव भाव और आँखों के बारे में एकत्र की गई जानकारी को कंप्यूटर पर प्रसारित किया जाता है कैमरून के अनुसार यह फिदी फिल्म निर्माताओं को अभिनेताओं के हंड्रेड प्रतिशत शारीरिक प्रदर्शन को उनके डिजिटल समकक्षों को स्थानांतरित करने की अनुमति देती है प्रदर्शन कैप्चर डेटा के अलावा जिसे सीधे कंप्यूटर में स्थानांतरित किया गया था कई संदर्भ कैमरों ने डिजिटल कलाकारों को प्रत्येक प्रदर्शन के लिए कोण दिए प्रमुख दृश्य प्रभाव कंपनी वेलिंगटन मेरवेटा डिजिटल थी जिसने एक समय में फिल्म पर काम करने के लिए 900 लोगों को रोजगार दिया था बड़ी मात्रा में डेटा को संग्रहित सूचीबद्ध करने और इसमें शामिल सभी लोगों के लिए उपलब्ध होने की आवश्यकता के कारण यहाँ तक कि दुनिया के दूसरी तरफ भी गैया नामक एक नया क्लाउड कंप्यूटरिंग और डिजिटल असेट मैनेजमेंट डी सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया था विशेष रूप से अवतार के लिए जिसने क्रू को डिजिटल प्रोसेसिंग के सभी चरणों पर नज़र रखने और समन्वय करने की अनुमति दी अवतार को प्रस्तुत करने के लिए वेटा ने 930 मीटर दो दस हज़ार वर्ग फुट सर्वर फॉर्म का उपयोग किया जिसमें पैंतीस हजार प्रोफेसर कोर के साथ चार हजार हैवलेट पैकॉर्ड सर्वर का उपयोग किया गया है 104 सौ चार टैराबाइट्स रैम और तीन पैटाबाइट नेटवर्क एरिया स्टोरेज के साथ ओबन टू लिनक्स ग्रिड इंजन चल रहा था क्लस्टर प्रबंधक और एनिमेशन सॉफ्टवेयर और प्रबंधकों में से दो पिक्सर के रेंडरमैन और पिक्सर के अल्फ्रेड कतार प्रबंधन प्रणाली रेंडर फॉर्म दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की टॉप पाँच सूची में एक से एक स्थान पर हैं द फाउंड्री द्वारा पैटा के सहयोग से मारी नामक एक नया टेक्सचरिंग और पेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम विकसित किया गया था नावी पात्रों और पेंडोरा की आभासी दुनिया को बनाने के लिए एक पेटाबाइट से अधिक डिजिटल स्टोरेज की आवश्यकता होती है और अवतार के लिए अंतिम फुटेज का प्रत्येक मिनट सत्रह पॉइंट गीगाबाइट स्टोरेज लेता है फिल्म के एक फ्रेम को प्रस्तुत करने में कंप्यूटर को अक्सर कई घंटे लग जाते थे विशेष प्रभाव अनुक्रमों को समय पर तैयार करने में मदद करने के लिए कई अन्य कंपनियों को बोर्ड पर लाया गया है जिनमें इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक भी शामिल थी जिसने युद्ध दृश्यों को बनाने के लिए वैटा डिजिटल के साथ काम किया आई एल एम फिल्म के कई विशेष वाहनों के दृश्य प्रभावों के लिए जिम्मेदार था और उसने सी जी आई विस्फोट करने का एक नया तरीका तैयार किया जो लेटरी फ़िल्म के दृश्य प्रभावों के सामान्य पर्यवेक्षक थे इस फाइल को चलाने में समस्याएं मीडिया सहायता देखें संगीतकार जेम्स हॉर्नर ने फिल्म बनाई जो एलियंस और टाइटैनिक के बाद कैमरून के साथ उनका तीसरा सहयोग था हॉर्नर ने मार्च 2008 में विदेशी भाषा नावी में एक छोटे से कोरस गायन के साथ स्कोर के कुछ हिस्सों को रिकॉर्ड किया उन्होंने विदेशी जाति के लिए एक संगीत संस्कृति बनाने के लिए एक नृवंश विज्ञानी वांडा ब्रांड के साथ भी काम किया पहला स्कोरिंग सत्र 2009 की शुरुआत में आयोजित करने की योजना बनाई गई थी प्रोडक्शन के दौरान हॉर्नर ने कैमरून से वादा किया कि वह अवतार के अलावा किसी अन्य प्रोजेक्ट पर काम नहीं करेंगे और कथित तौर पर सुबह चार बजे से दस बजे तक स्कोर पर काम किया पूरी प्रक्रिया के दौरान रात में उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा अवतार सबसे कठिन समय फिल्म रही है जिस पर मैंने काम किया है और सबसे बड़ा काम किया है हॉर्नर ने स्कोर की रचना तब की जब दो अलग अलग स्कोर एक में विलीन हो गए उन्होंने पहले एक ऐसा स्कोर बनाया जो ध्वनि के नावी तरीकों को प्रतिबंधित करता था और फिर फिल्म को आगे बढ़ाने के लिए से एक अलग पारंपरिक स्कोर के साथ जोड़ा ब्रिटिश गायिका लियोना लुइस को फिल्म का थीम गीत गाने के लिए चुना गया जिसका नाम था आई जैक नवा द्वारा निर्देशित एक सहवर्ती संगीत वीडियो का प्रीमियर 15 दिसंबर 2009 को माई स्पेस पर हुआ विषय वस्तु और प्रेरणाएं मुख्य लेख अवतार में विषय वस्तु अवतार मुख्य रूप से साम्राज्यवाद और गहन पारिस्थिति के रूप संदर्भ में आत्म खोज की एक साहसिक यात्रा है कैमरून ने कहा कि उनकी प्रेरणा हर एक विज्ञान कथा पुस्तक जो मैंने बचपन में पढ़ी थी और वह एडगर राइस बरोज की जॉन कार्टर श्रृंखला की शैली को अद्यतन करना चाहते थे उन्होंने स्वीकार किया कि अवतार की थीम एट प्ले इन द फील्ड ऑफ द लॉर्ड द एमरोल्ड फॉरेस्ट और प्रिंसेस मोनोनोके जैसी फिल्मों के साथ साझा की गई 2012 में कैमरून ने 45 पेज की कानूनी घोषणा दायर की जिसका उद्देश्य अवतार बनने वाले विचारों विशो कहानी और छवियों की उत्पत्ति का विस्तार से वर्णन करना था ऐतिहासिक घटनाओं जैसे कि अमेरिका का यूरोपीय उपनिवेशीकरण उनके जीवन के अनुभव और उनकी कई अप्रकाशित परियोजनाओं के अलावा कैमरून ने अवतार और उनकी पिछली फिल्मों के बीच संबंध बनाए उन्होंने जेनेसिस के लिए अपनी स्क्रिप्ट और अवधारणा कला का हवाला दिया जिसे आंशिक रूप से एक लघु फिल्म के रूप में निर्मित किया गया था जो कि अवतार में कई विचारों और दृश्य डिजाइनों का आधार था उन्होंने कहा कि अवतार की विश्व मन की अवधारणाएं प्रकृति के भीतर बुद्धि अवतार का उपयोग करके बलका से चेतना को प्रोजेक्ट करने का विचार विदेशी ग्रहों का उपनिवेशीकरण सैन्य बल द्वारा समर्थित लालची कॉरपोरेट हित प्रचलित प्रतीत होने वाले कमजोर समूह की कहानी एक तकनीकी रूप से बेहतर बल पर और अच्छे वैज्ञानिक से स्थापित और आवर्ती विषय थे एलियंस द एबिस रैम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट सेकेंड द टर्मिनेटर और टर्मिनेटर दो जजमेंट जजमेंटे सहित उनकी पिछली फिल्मों से उन्होंने दायाबिस में विशेष रूप से अवतार के उदाहरण के रूप में वाटर टेंटेकल का उल्लेख किया है जो सांस्कृतिक अंतर को पाटने और विश्वास बनाने के लिए एक विदेशी जीवन रूप का रूप धारण करता है कैमरून ने अवतार के लिए संदर्भ बिंदु और प्रेरणा के स्रोत के रूप में अन्य रचनाकारों के कई कार्यों का भी हवाला दिया इनमें उनकी दो पसंदीदा फिल्में शामिल हैं दो हजार एक ए स्पेस ओडिसी जहां मानव जाति विदेशी जीवन से मिलने के बाद एक विकास का अनुभव करती है और लॉरेंस ऑफ अरबिया जहां एक एक बाहरी व्यक्ति एक विदेशी संस्कृति का सामना करता है और उसमें डूब जाता है और फिर अंततः उसमें शामिल हो जाता है अन्य बाहरी लोगों से लड़ने के लिए समूह कैमरून ने कहा कि वह जॉर्ज हैंनरी स्मिथ की लघु कहानी इन द दमेजिकॉर्न और ऑर्थर सी क्लार्क के उपन्यास द सिटी एंड द स्टार्स से दूसरी दुनिया के अंदर सिंथेटिक अवतार संचालित करने वाले मानव की अवधारणा से परिचित हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने अवतार शब्द को विलियम गिब्सन के साइबर पंक उपन्यास न्यूरोमैंसर और ब्रूस स्टर्लिंग के आइलैंड्स इंटरनेट को पढ़कर सीखा 2007 में टाइम पत्रिका के साथ एक साक्षात्कार में कैमरून से अवतार शब्द के अर्थ के बारे में पूछा गया था जिस पर उन्होंने जवाब दिया यह हिंदू देवताओं में से एक का देह रूप धारण करने वाला अवतार है इस फिल्म में अर्थ यह है कि मानव प्रौद्योगिकी भविष्य में मनो की बुद्धि को दूर स्थित शरीर एक जैविक शरीर में इंजेक्ट करने में सक्षम है कैमरून ने जापानी साइबर पंक, मंगा और एनिमे घोष्ट इंदा शैल का भी हवाला दिया कि कैसे मनुष्य दूर से नियंत्रण कर सकते हैं और अपने व्यक्तित्व को विदेशी निकायों से स्थानांतरित कर सकते हैं जैक का अवतार और नैतेरी नावी के लुक की प्रेरणा एक सपने से मिली जिसके बारे में कैमरून की माँ ने उसे बताया था नावी पेंडोरा के मूल निवासी ह्यूमनॉइड का लुक कैमरून की मां के एक सपने से प्रेरित था जो उन्होंने अवतार पर काम शुरू करने से बहुत पहले देखा था अपने सपने में उसने 12 फीट चार मीटर लंबी एक नीली चमड़ी वाली महिला को देखा जिसे उसने एक तरह की अच्छी छवि माना साथ ही उन्होंने कहा मुझे नीला रंग पसंद है या एक अच्छा रंग है साथ ही इसका हिंदू देवताओं से संबंध है जो मुझे वैचारिक रूप से पसंद है उन्होंने अपनी पहली पटकथा 1976 या 1977 में लिखी गई में ऐसे ही प्राणियों को शामिल किया जिसमें लंबे नीले एलियंस की मूल आबादी वाले ग्रह को दिखाया गया था नावी उन पर आधारित थे पात्रों जैक और नैतरी के बीच की प्रेम कहानी के लिए कैमरून ने एक स्टार क्रॉस प्रेम विषय लागू किया जिसके बारे में उन्होंने कहा कि यह रोमियो और जूलियट की परंपरा में था उन्होंने अपनी फिल्म टाइटैनिक में जैक और रोज की जोड़ी से इसकी समानता स्वीकार की एक साक्षात्कारकर्ता ने कहा दोनों जोड़े बिल्कुल अलग अलग संस्कृतियों से आते हैं जो उनके रिश्ते के प्रति अपमानजनक हैं और प्रतिस्पर्धी समुदायों के बीच पक्ष चुनने के लिए मजबूर हैं कैमरून ने नैति को अपना पोका होन्ट्स बताते हुए कहा कि उनकी कथानक एक श्वेत बाहरी व्यक्ति मुखिया की बेटी से प्यार हो जाता है जो जनजाति और प्रकृति के साथ उनके विशेष बंधन के लिए उसकी मार्गदर्शक बन जाती है कि ऐतिहासिक कहानी का अनुसरण करती है कैमरून को लगा कि जैक और नैतीरी की प्रेम कहानी को विश्वसनीय माना जाएगा या नहीं यह आंशिक रूप से नतीरी की विदेशी उपस्थिति के शारीरिक आकर्षण पर निर्भर है जिसे कलाकारों के सभी पुरुष दल के लिए उनकी अपील पर विचार करके विकसित किया गया था हालांकि कैमरून को लगा कि जैक और नैतीरी तुरंत प्यार में नहीं पड़ जाते लेकिन उनके चित्रकारों वर्थिंग और सलदाना को लगा कि किरदार ऐसा करते हैं वेलिंगटन ने कहा कि कैमरून ने फिल्मांकन के दौरान दोनों कलाकारों के बीच बहुत अच्छी कैमिस्ट्री थी जंगल के बीच में एक भूरा पहाड़ पेंडोरा के तैरते हाले जुलुजा पर्वत कुछ हद तक चीनी हुआ शान पहाड़ों से प्रेरित थे जांग राष्ट्रीय वन पार्क फिल्म के तैरते हाल लुजा पर्वत के लिए डिजाइनरों ने कई अलग अलग प्रकार के पहाड़ों लेकिन मुख्य रूप से चीन में कास्ट पत्थर संरचनाओं से प्रेरणा ली प्रोडक्शन डिजाइनर डायलन कोल के अनुसार काल्पनिक तैरती चट्टाने हुआंग शॉन जिसे येलो माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है गुई झांग जियाजी और दुनिया भर के अन्य लोगों से प्रेरित थी कैमरून ने तैरते पहाड़ों के डिजाइन पर चीनी चोटियों के प्रभाव को नोट किया था पेंडोरा पर मानव खनन कॉलोनी के अंदरूनी हिस्से को बनाने के लिए प्रोडक्शन डिजाइनरों ने जून 2007 के दौरान मैक्सिको की हाँ लेकिन साथ ही एक विवेक भी हो कि शायद इसका आनंद लेने में आपको अपने बातचीत करने के तरीकों में थोड़ा सोचने पर मजबूर होना पड़े प्रकृति और अपने साथी मनुष्य के साथ उन्होंने आगे कहा कि ना भी कुछ ऐसी चीज़ों का प्रतिनिधित्व करता है जो हमारे उच्च स्व या हमारी आकांक्षात्मक स्वयं है जो हम सोचना चाहते हैं कि हम हैं और भले ही फिल्म के भीतर अच्छे इंसान हैं इंसान उस चीज़ का प्रतिनिधित्व करते हैं जो हम जानते हैं हम अपने ही वे हिस्से हैं जो हमारी दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं और शायद खुद को एक गंभीर भविष्य के लिए दोषी ठहरा रहे हैं कैमरन स्वीकार करते हैं कि अवतार इराक युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका की भूमिका और सामान्य रूप से मशीनीकृत युद्ध की अवैत्तिक प्रकृति की स्पष्ट रूप से आलोचना करता है फिल्म में सदमा और विस्मय शब्द के उपयोग के संदर्भ में कैमरून ने कहा हम जानते हैं कि मिसाइलों को लॉन्च करना कैसा लगता है हम नहीं जानते कि हमारी घरेलू धरती पर उनका उतरना कैसा लगता है अमेरिका में नहीं उन्होंने बाद के साक्षात्कारों में कहा मुझे लगता है कि इस प्रणाली पर सवाल उठाना बहुत देशभक्तिपूर्ण है जिसे नियंत्रित करने की आवश्यकता है और फिल्म निश्चित रूप से अमेरिकी विरोधी नहीं है फिल्म के एक दृश्य में विशाल नावी होमट्री के हिंसक विनाश को दर्शाया गया है जो एक मिसाइल हमले के बाद आग की लपटों में डह जाता है जिससे परिदृश्य राख और तैरते अंगारों से भर जाता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 11 सितंबर के हमले से दृश्य की समानता के बारे में पूछे जाने पर कैमरन ने कहा कि वह इस बात से आश्चर्यचकित थे कि यह ग्यारह सितंबर को कितना समान लग रहा था विपणन प्रचार 2009 में सैन डिएगो कॉमिक कॉन में अवतार का प्रचार करते हुए जेम्स कैमरून अवतार जेम्स कैमरून के अवतार के रूप में विपणन 2009 की एक महाकाव्य विज्ञान कथा फिल्म है जो जेम्स कैमरून द्वारा निर्देशित लिखित निर्मित और सह संपादित है और इसमें सैम वर्थिंगटन जो सल्दाना स्टीफन लैंग मिशेल रॉड्रिक्स और सिगोर्नी वीवर ने अभिनय किया है यह अवतार फिल्म श्रृंखला की पहली किश्त है यह बाईसवीं सदी के मध्य में स्थापित है जब मनुष्य मूल्यवान खनिज अन ओपटेनियम का खनन करने के लिए अल्फ़ा सेंचोरी तारा प्रणाली में एक गैस विशाल कहरे भरे रहने योग्य चंद्रमा पेंडोरा का उपनिवेश कर रहे थे एक अनन कॉलोनी के विस्तार से नावी की एक स्थानीय जनजाति के निरंतर अस्तित्व को खतरा है जो पेंडोरा की मूल निवासी एक मानव प्रजाति है फिल्म का शीर्षक आनुवंशिक रूप से इंजीनियर के किए गए नावी शरीर जो दूर स्थित मानव के मस्तिष्क से संचालित होता है जिसका उपयोग पेंडोरा के मूल निवासियों के साथ बातचीत करने के लिए किया जाता है अवतार का विकास उन्नीस में शुरू हुआ जब जेम्स कैमरून ने फिल्म के लिए 80 पेज का ट्रीटमेंट लिखा फिल्मांकन कैमरून की उन्नीस की फिल्म टाइटैनिक के पूरा होने के बाद उन्नीस में नियोजित रिलीज के लिए होना था हालांकि कैमरून के अनुसार फिल्म के बारे में उनके दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए आवश्यक तकनीक अभी तक उपलब्ध नहीं थी नावी की भाषा पर काम 2005 में शुरू हुआ और कैमरून ने 2006 की शुरुआत में पटकथा और काल्पनिक ब्रह्मांड का विकास शुरू किया नए की अभूतपूर्व श्रृंखला के कारण अवतार का आधिकारिक तौर पर बजट दो मिलियन डॉलर था कैमरून ने वेलिंगटन में वेटा डिजिटल के सहयोग से दृश्य प्रभाव हासिल किया अन्य अनुमानों के अनुसार उत्पादन के लिए लागत डॉलर 280 मिलियन से डॉलर 310 मिलियन के बीच और प्रचार के लिए डॉलर 150 मिलियन के बीच है फिल्म में नई मोशन कैप्चर फिल्मांकन तकनीकों का व्यापक उपयोग किया गया और इसे पारंपरिक देखने थ्री देखने रियल डी थ्री डी डॉल बी थ्री डी एक्सपैंडी थ्री डी और आई एम एक्स थ्री डी प्रारूपों का उपयोग करके और फोर डी के लिए जारी किया गया चयनित दक्षिण कोरियाई थिएटरों में अनुभव अवतार का प्रीमियर 10 दिसंबर 2009 को लंदन में हुआ और इसे सकारात्मक समीक्षा के साथ 18 दिसंबर 2009 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज़ किया गया आलोचकों ने इसके अभूतपूर्व दृश्य प्रभावों की अत्यधिक प्रशंसा की हालांकि कहानी को पूर्वानुमित माना गया था अपने नाटकीय प्रदर्शन के दौरान फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए जिसमें अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनना भी शामिल है जुलाई 2019 में इस स्थान को एवेंजर्स एंड गेम ने पीछे छोड़ दिया लेकिन बाद में पुनः रिलीज के साथ मार्च 2021 में चीन से शुरुआत करते हुए यह तब से सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई मुद्रास्फीति के लिए समायोजित अवतार गॉन विद द विंड के बाद अब तक की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है जिसकी कुल कमाई डॉलर तीन पॉइंट पाँच बिलियन से थोड़ी अधिक है यह डॉलर दो बिलियन से अधिक की कमाई करने वाली पहली फिल्म है जिसकी कुल कमाई डॉलर तीन पॉइंट पाँच बिलियन से थोड़ी अधिक है डॉलर टू बिलियन से अधिक की कमाई करने वाली फ़िल्म और संयुक्त राज्य अमेरिका में दो का सबसे अधिक बिकने वाला वीडियो खिताब भी बन गई अवतार को बयासीवें अकेडमी पुरस्कारों में नौ पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था जिसमें से उसने तीन पुरस्कार जीते और कन्या अन्य पुरस्कार प्राप्त किए फिल्म की सफलता के कारण इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं ने थ्री टेलीविज़न जारी किए और थ्री फिल्मों की लोकप्रियता में वृद्धि हुई इसकी सफलता से अवतार फ्रेंचाइजी का निर्माण हुआ जिसमें सिक्वल अवतार द वे ऑफ वाटर 2022 अवतार तीन 2025 अवतार चार और अवतार पाँच 2031 शामिल हैं कथानक इक्कीस में पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो गए और पारिस्थितिक विनाश का सामना कर रहे हैं रिसोर्सेज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन आर डी ए अल्फा सेंचुरी तारा प्रणाली के एक चंद्रमा पेंडोरा पर मूल्यवान खनिज यूनो बटेनियम का खनन करता है पेंडोरा जिसका वातावरण मनुष्यों के लिए दुर्गम है दस फुट लंबे तीन पॉइंट जीरो मीटर नीली चमड़ी वाले बुद्धिमान ह्यूमनॉयड नावी का निवास है जो प्रकृति के साथ साथ भाव में रहते हैं पेंडोरा का पता लगाने के लिए अनुचित रूप से मेल खाने वाले मानव वैज्ञानिक अवतार नामक नावी मानव संकर का उपयोग करते हैं पैराप्लेजिक मरीन जैक सुली को उसके मृत समान जुड़वा को बदलने के लिए पेंडोरा भेजा जाता है जिसने ऑपरेटर बनने के लिए साइन अप किया था अवतार कार्यक्रम के प्रमुख डॉक्टर ग्रेस ऑक्स्टीन सुली को अपर्याप्त मानते हैं लेकिन उसे अंगरक्षक के रूप में स्वीकार करते हैं ग्रेस और डॉक्टर नॉर्म स्पेलमैन के अवतारों की रक्षा करते समय जैक के अवतार पर पांडोरन वन्य जीवन द्वारा हमला किया जाता है और वह जंगल में भाग जाता है जहां उसे मादा नावी ने तेरी द्वारा बचाया जाता है जैक पर संदेह करते हुए उसे अपने कबीले में ले जाती है नतीरी की माँ माओत कबीले की आध्यात्मिक नेता अपनी बेटी को जैक को उनके समाज में शामिल करने का आदेश देती है आरडीए के सुरक्षा बल के प्रमुख कर्नल माइस क्वारी जैक के वादा करते हैं कि अगर नावी और उनके एकत्रित होने की जगह विशाल होम ट्री जिसके तहत यूनो बटेनियम का एक समृद्ध भंडार है के बारे में जानकारी प्रदान करता है तो कंपनी उसके पैरों का उपयोग बहाल कर देगी यह जानकर ग्रेस खुद को जैक और नाम को एक चौकी में स्थानांतरित कर देती है जैसे ही जैक को जनजाति में शामिल किया गया जैक और नैतरी को प्यार हो गया वह और नतीरी एक दूसरे को साथी के रूप में चुनते हैं जब जैक एक पवित्र नावी साइट को धमकी देने वाले बुलडोजर को निष्क्रिय करने का प्रयास करता है तो प्रशासक पार कर सैल्फ्रिज होम को नष्ट करने का आदेश देता है ग्रेस के तर्क के बावजूद कि होम ट्री को नष्ट करने से पेंडोरा के जैविक तंत्रिका नेटवर्क को नुकसान हो सकता है सेल्फ्रिज ने जैक और ग्रेस को नावी को खाली करने के लिए मनाने के लिए एक घंटे का समय दिया जैक कबूल करता है कि वह एक जासूस था और नावी ने उसे और ग्रेस को बंदी बना लिया क्वारिज के सैनिकों ने होम ट्री को नष्ट कर दिया जिसमें नतीरी के पिता कबीले प्रमुख सहित कई लोग मारे गए मोआट ने जैक और ग्रेस को मुक्त कर दिया लेकिन वे अपने अवतारों से अलग हो गए और क्वारिज की सेना द्वारा कैद कर लिए गए पायलट टूडी चाकोन क्वारिज की क्रूरता से निराश होकर जैक ग्रेस और नॉम को ग्रेस की चौकी पर ले जाता है भागने के दौरान ग्रेस को गोली मार दी गई जैक ने अपने दिमाग को टोरुक से जोड़कर नावी का भरोसा दोबारा हासिल कर लिया जो एक ड्रैगन जैसा प्राणी है जिससे नावी डरता था और उसका सम्मान करता था आत्माओं के पवित्र वृक्ष पर जैक ग्रेस को ठीक करने के लिए मोआट से विनती करता है कबीले ने ट्री ऑफ सोर्स की सहायता से ग्रेस को उसके अवतार में स्थानांतरित करने का प्रयास किया लेकिन वह मर गई नए प्रमुख तसुतेई द्वारा समर्थित जैक ने कबीले को एकजुट किया और उनसे आर से लड़ने के लिए सभी कूलों को इकट्ठा करने के लिए कहा क्वरिज नेवी को हतोत्साहित करने के लिए ट्री ऑफ सोल्स के खिलाफ हड़ताल का आयोजन करता है युद्ध से पहले जैक आत्माओं के वृक्ष के साथ तंत्रिका संबंध के माध्यम से नावी देवता इवा से प्रार्थना करता है लड़ाई में भारी हताहतों में तसूते और ट्रडी भी शामिल है नावी को तब बचाया जाता है जब पेंडोरन वन्य जीव अप्रत्याशित रूप से हमले में शामिल हो जाते हैं और मनुष्यों पर हावी हो जाते हैं जिसे नेतीरी नेवा द्वारा जैक की प्रार्थना का उत्तर देने के रूप में व्याख्या की है एम पी सूट पहने क्वारिज अपने दुर्घटनाग्रस्त विमान से बच जाता है और जैक के मानव शरीर वाले अवतार लिंक यूनिट को तोड़ देता है जिससे वह पेंडोरा के जहरीले वातावरण के संपर्क में आ जाता है जैसे ही कुआरी जैक के अवतार का गला काटने की तैयारी करता है उसे नैतरी द्वारा मार दिया जाता है जो जैक को पहली बार उसके मानव रूप को देखकर दम घुटने से बचाता है जैक नॉर्म और कुछ चुनिंदा अन्य लोगों को छोड़कर सभी मनुष्यों को पेंडोरा से निष्कासित कर दिया गया है ट्री ऑफ सोल्स की सहायता से जैक को स्थायी रूप से उसके अवतार में स्थानांतरित कर दिया गया है ढालना अधिक जानकारी अवतार का काल्पनिक ब्रह्मांड सैम वर्थिंग डन बाएँ और जो सल्दाना दाएँ जो फिल्म में मुख्य भूमिका निभाते हैं सैम वर्थिंग डन कारपोरल जैक सूली के रूप में एक विकलांग पूर्व मरीन जो अपने जुड़वा भाई की हत्या के बाद अवतार कार्यक्रम का हिस्सा बन जाता है उनकी सैन्य पृष्ठभूमि नावी योद्धाओं को उनसे जुड़ने में मदद करती है दुनिया भर में होनहार युवा अभिनेताओं की तलाश के बाद कैमरून ने ऑस्ट्रेलियाई अभिनेता को कास्ट किया और बजट कम रखने के लिए अज्ञात कलाकारों को प्राथमिकता दी वर्थिंगटन जो उस समय अपने कार में रह रहे थे ने विकास की शुरुआत में दो बार ऑडिशन दिया सत्यापन में विफल और उन्होंने संभावित सिक्वल के लिए हस्ताक्षर किए हैं कैमरून को लगा कि चूंकि वर्थिंगटन ने कोई बड़ी फिल्म नहीं की है इसलिए वह चरित्र को एक ऐसी गुणवत्ता देंगे जो वास्तव में वास्तविक हो कैमरून ने कहा कि उनमें एक ऐसे व्यक्ति होने का गुण है जिसके साथ आप बियर पीना चाहेंगे और वह अंततः एक ऐसा नेता बन जाता है जो दुनिया को बदल देता है सत्यापन विफल कैमरून ने फिल्म के मुनाफे में दस प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ मैट डैमन को भूमिका की पेशकश की लेकिन डैमन ने बॉर्न फिल्म श्रृंखला के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के कारण फिल्म को ठुकरा दिया वर्थिंगटन भी संक्षेप में जैक के मृत समान जुड़वा टॉमी के रूप में दिखाई देता है जो सल्ताना नेतरी ने तस्काहा मो आटा इट के रूप में ओमा टिकाया कहानी के केंद्र में नावी कबीला के नेताओं की बेटी है वह जैक की बहादुरी के कारण उसकी ओर आकर्षित होती है हालांकि वह उसके भोलेपन और मूर्खता के कारण उससे निराश होती है वह जैक की प्रेमिका के रूप में काम करती है वह चरित्र सभी नावी की तरह प्रदर्शन कैप्चर का उपयोग करके बनाया गया था और इसका दृश्य पहलू पूरी तरह से कंप्यूटर से तैयार किया गया है सल्ताना ने संभावित सिक्वल के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए स्टीफन लैंग कर्नल माइस क्वारिज के रूप में खनन अभियान के सुरक्षा विवरण के प्रमुख मानव के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं किए गए किसी भी जीवन के प्रति उसकी घोर अपेक्षा के कारण उसके मन में पेंडोरा के निवासियों के प्रति गहरी उपेक्षा है जो उसके कार्य और उसकी भाषा दोनों में स्पष्ट है लैंग ने कैमरून की एलियंस उन्नीस में एक भूमिका के लिए असफल ऑडिशन दिया था लेकिन निर्देशक ने लैंग को याद किया और अवतार के लिए उनकी तलाश की माइकल वीहन जिन्होंने एलियंस द टर्मिनेटर और टर्मिनेटर दो जजमेंट डे में कैमरून के साथ काम किया था जो इस भूमिका के लिए संक्षेप में विचार किया गया था उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी और कैमरून के साथ कुछ थ्री फुटेज देखे लेकिन अंततः उन्हें कास्ट नहीं किया गया टूडी चाकोन के रूप में मिशेल रॉड्रिक्स एक लड़ाकू पायलट जिसे अवतार कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए नियुक्त किया गया था जो नावी के प्रति सहानुभूति रखता है कैमरून रॉड्रिक्स को गल्फ फाइट में देखने के बाद से ही उसके साथ काम करना चाहते थे पारकर सेल्फ्रिज के रूप में जियो वन रिप्सी आर खनन ऑपरेशन के लिए कॉरपोरेट प्रशासक हालांकि वह पहले तो कंपनी की निचली रेखा को बनाए रखने के लिए नावी सभ्यता को नष्ट करने को तैयार हैं लेकिन वह नावी पर हमलों को अधिग्रहित करने और उसकी छवि को धूमिल करने के लिए अनिच्छुक हैं इसके बाद ही वह ऐसा कर सकता है क्वारिज ने उसे समझाया कि यह आवश्यक है और हमले मानवीय होंगे जब हमलों को बेस पर प्रसारित किया जाता है तो सेल्फ्रेज हिंसा प्रदर्शित करता है डॉक्टर नॉर्म स्पेलमैन के रूप में जॉयल डेविड मोर एक जेनो एंथ्रोपोलोजिस्ट जो अवतार कार्यक्रम के हिस्से के रूप में पौधों और जानवरों के जीवन का अध्ययन करते हैं वह जैक के साथ ही पेंडोरा पहुंचता है और एक अवतार का संचालन करता है हालांकि उनसे नावी के साथ राजनीतिक संपर्क का नेतृत्व करने की उम्मीद की जाती है लेकिन यह पता चलता है कि जैक के पास मूल निवासियों का सम्मान जीतने के लिए बेहतर व्यक्तित्व है मूल ने के नावी अवतार को भी चित्रित किया है मो आर्ट के रूप में सी सी एच पाउंडर ओमा टिकिया के आध्यात्मिक नेता नेतिरी की माँ और कबीले नेता ई चुकन की पत्नी हम कौन ते तस्काहा कमु निटान ओमा टिकिया के कबीले नेता नेतिरी के पिता और मोआट के साथी के रूप में अध्ययन करते हैं तसुते ते रोंगोला अटे इतान के रूप में लाज अलोंसो ओमा टिकाया का सबसे बेहतरीन योद्धा व जनजाति के मुखिया पद का उत्तराधिकारी है फिल्म की कहानी की शुरुआत में उसकी मंगनी नैतेरी से होती है डॉक्टर ग्रेस ऑक्सटीन के रूप में सिगोरनी बीवल एक एक्सोबायोलॉजिस्ट और अवतार कार्यक्रम के प्रमुख है सुली की गुरु भी है और नावी के साथ शांतिपूर्ण संबंधों की समर्थक भी है उन्होंने उन्हें अंग्रेजी सिखाने के लिए एक स्कूल की स्थापना की है बीवर नेग्रेस के नावी अवतार को भी चित्रित किया है डॉक्टर मैक्स पटेल के रूप में दिलीप राव एक वैज्ञानिक जो अवतार कार्यक्रम में काम करते हैं और आर के खिलाफ जैक के विद्रोह का समर्थन करने आते हैं मैट गैराल्ड कार्पोरल लाइल वैन फ्लेट के रूप में एक भाड़े का मानव सैनिक जो क्वारिज के दाहिने हाथ के रूप में आर के लिए काम करता है इसके अतिरिक्त एलिसिया वेला वैली टैरंगी कबीले के नेताइके सायला युवा शिकारियों में से एक जो जैक के साथ उसके एक निमाया के दौरान जाती है और एक बार में उत्पीड़ित गौरी महिला के रूप में दिखाई देती है जिसका जैक बचाव करता है वेला वैली ने जो सलदाना के लिए स्टंट डबल के रूप में काम किया और बाद में अवतार द वे ऑफ वाटर में जेडिनसर को चित्रित किया टेरिनोट्री जिन्होंने स्टंट भी किया मोशन कैप्चर के माध्यम से बंशीज बजाते हैं दिसंबर 2009 में हॉलीवुड वॉक ऑफ नेम फेम पर निर्देशक लेखक और निर्माता जेम्स कैमरून उन्नीस में निर्देशक जेम्स कैमरून ने अवतार के लिए 80 पन्नों की एक पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने अपने बचपन में पढ़ी गई हर एक विज्ञान कथा पुस्तक के साथ साथ एडगर राइस बरोज और एच राइडर हैगॉर्ड के साहसिक उपन्यासों से प्रेरणा ली जब वह उन्नीस वर्ष के थे तब उन्हें सपने में फिल्म के कुछ हिस्से भी आए थे उन्होंने फाइबर ऑप्टिक पेड़ों फैन चिपकलियों, बायोल्यूमिनसेंट कणों वाली एक नदी और बैंगनी काई के साथ एक बायोल्यूमिनसेंट जंगल का सपना देखा था जो किसी के कदम रखने पर चमक उठता था जब वह उठे तो उन्होंने उस दृश्य का चित्र बनाया और बाद में उसे फिल्म में इस्तेमाल किया अगस्त उन्नीस सौ छियानवे में कैमरून ने घोषणा की कि टाइटैनिक को पूरा करने के बाद वह अवतार फिल्म बनाएंगे जिसमें सिंथेटिक या कंप्यूटर जनित अभिनेताओं का उपयोग किया जाएगा इस परियोजना की लागत डॉलर सौ मिलियन होगी और इसमें प्रमुख भूमिकाओं में कम से कम छः अभिनेता शामिल होंगे जो वास्तविक प्रतीत होते हैं लेकिन भौतिक दुनिया में मौजूद नहीं है विजुअल इफेक्ट हाउस डिजिटल डोमेन जिसके साथ कैमरून की साझेदारी है इस परियोजना में शामिल हो गया जिसे उन्नीस के रिलीज़ के लिए उन्नीस के मध्य में उत्पादन शुरू करना था हालांकि कैमरून को लगा कि तकनीक ने उस कहानी और दृष्टिकोण को नहीं पकड़ा है जिसे वह बताना चाहते थे उन्होंने अगले कुछ वर्षों तक चित्र बनाने और प्रौद्योगिकी को परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया ब्लूमबर्ग बिजनेस वीक की कवर स्टोरी में यह खुलासा हुआ कि बीसवीं सेंचुरी फॉक्स ने अवतार के लिए एक प्रूफ ऑफ़ कंसेप्ट क्लिप फिल्माने के लिए कैमरून को दस मिलियन डॉलर देने का वादा किया था जिसे उन्होंने अक्टूबर 2005 में फॉक्स के अधिकारियों को दिखाया था फरवरी 2006 में कैमरून ने खुलासा किया कि उनकी फिल्म प्रोजेक्ट 880 अवतार का एक नया संस्करण थी एक फ़िल्म जिसे उन्होंने वर्षों पहले बनाने की कोशिश की थी कंप्यूटर जनित पात्रोलम किंग के निर्माण में तकनीकी प्रगति का हवाला देते हुए कॉन्ग और डेवी जोन्स कैमरून ने पिछले वर्ष पाँच दिवसीय कैमरा परीक्षण पूरा करने के बाद अपने प्रोजेक्ट बैटल एंजल के साथ स्थान पर अवतार को चुना था विकास जनवरी से अप्रैल 2006 तक कैमरून ने पटकथा पर काम किया और फिल्म के एलियंस नावी के लिए एक संस्कृति विकसित की उनकी भाषा यू एस सी के भाषा पॉल फ्रॉमर द्वारा बनाई गई थी नावी भाषा में लगभग एक हज़ार शब्दों का शब्दकोश है जिसमें से लगभग तीस कैमरून द्वारा जोड़े गए हैं जीव के स्वरों में विशेषण व्यंजन जैसे कि एस के एक्स ऑंग में के एक्स शामिल है जो अमहारिक में पाए जाते हैं और प्रारंभिक एनर्जी जो कैमरून ने तो रेओ माओरी से लिया होगा अभिनेत्री सिगोर्नी विवर और फिल्म के सेट डिज़ाइनरों ने वनस्पति विज्ञानियों द्वारा पौधों के अध्ययन और नमूने लेने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधियों के बारे में जानने और समझने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय रिवर साइड में प्लॉट फिजियोलॉजी के प्रोफेसर जोड़ी एस होल्ट से मुलाकात की फिल्म में पेंडोरा जीवों के बीच संचार को दर्शाया गया है 2005 से 2007 तक कैमरून ने चित्रों और भौतिक मूर्तियों के साथ नावे के डिज़ाइन को आकार दिया है प्रसिद्ध फैंटेसी चित्रकार वैन बार्लो और प्रसिद्ध अवधारणा कलाकार जोड्रू शैल सहित कुछ डिज़ाइनरों के साथ काम किया जब कैमरून को लगा कि थ्री ब्रश रेंडरिंग की जा सकती है उनकी दृष्टि पर कब्जा न करते हुए अक्सर कैमरून के मालिबू घर की रसोई में एक साथ काम करते हैं जुलाई 2006 में कैमरून ने घोषणा की कि वह अवतार फिल्म को 2008 के मध्य में रिलीज़ करेंगे और फरवरी 2007 तक स्थापित कलाकारों के साथ मुख्य फोटोग्राफी शुरू करने की योजना बनाई अगले अगस्त में विजुअल इफेक्ट्स स्टूडियो वेटा डिजिटल ने कैमरून को अवतार के निर्माण में मदद करने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किया स्टैन विंस्टन जिन्होंने पहले कैमरून के साथ सहयोग किया था फिल्म के डिज़ाइन में मदद करने के लिए अवतार में शामिल हुए फिल्म के निर्माण डिजाइन में कई साल लग गए फिल्म में दो अलग अलग प्रोडक्शन डिजाइनर और दो अलग अलग कला विभाग थे जिनमें से एक पेंडोरा की वनस्पतियों और जीवों पर केंद्रित था और दूसरा जिसने मानव मशीनों और मानव कारकों का निर्माण किया सितंबर 2006 में कैमरून को थ्री में फिल्मांकन के लिए अपने स्वयं के रियलिटी कैमरा सिस्टम का उपयोग करने की घोषणा की गई थी गहराई की अनुभूति पैदा करने के लिए सिस्टम एक ही कैमरा बॉडी में दो हाई डेफिनेशन कैमरों का उपयोग करेगा जब ये तैयारियां चल रही थी फॉक्स कैमरों की पिछली तस्वीर टाइटैनिक पर लागत में वृद्धि और देरी के अपने दर्दनाक अनुभव के कारण अवतार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में कई के के पात्रों की भूमिकाओं को मिलाकर कथानक को सुव्यवस्थित करने के लिए स्क्रिप्ट को फिर से लिखा और अगर फिल्म व्यावसायिक रूप से निराशाजनक रही तो अपनी फीस में कटौती करने की पेशकश की कैमरून ने फिल्म के अनिश्चित भविष्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए सहनिर्माता जॉन लैंडो के कार्यालय के बाहर एम्बर सिग्नल के साथ एक ट्रैफिक लाइट लगाई 2006 के मध्य में फॉक्स ने कैमरून को बिना किसी संदेह के बताया कि तो वे इस फिल्म को आगे बढ़ा रहे हैं इसलिए उन्होंने इसे अन्य स्टूडियो में खरीदना शुरू कर दिया और वॉल्ट डिजनी स्टूडियो से संपर्क किया ऑडियो आइकन का दिसंबर 2006 में कैमरून ने अवतार को 200 साल बाद एक ग्रह पर स्थापित एक भविष्य की कहानी पर्यावरणीय विवेक के साथ एक पुराने जमाने की जंगल साहसिक कहानी जो कहानी कहने के एक पौराणिक स्तर की आकांक्षा करती है के रूप में वर्णित किया जनवरी 2007 की प्रेस विज्ञप्ति में फिल्म में मुक्ति और क्रांति की एक भावनात्मक यात्रा के रूप में वर्णित किया गया था और कहा गया था कि कहानी एक घायल पूर्व नौसैनिक की है जो अनिच्छा से जैव विविधता से समृद्ध एक विदेशी ग्रह पर बसने और उसका दोहन करने के प्रयास में लगा हुआ है अंततः अस्तित्व की लड़ाई में स्वदेशी जाति का नेतृत्व करने के लिए पार हो गया कहानी एक संपूर्ण विश्व की होगी जिसमें काल्पनिक पौधों और प्राणियों का एक पारिस्थितिकी तंत्र और एक समृद्ध संस्कृति और भाषा वाले मूल निवासी शामिल होंगे अनुमान के अनुसार फिल्म के निर्माण की लागत लगभग डॉलर दो से तीन मिलियन और विपणन के लिए अनुमानित डॉलर 150 मिलियन है यह देखते हुए कि लगभग डॉलर 30 मिलियन टैक्स क्रेडिट से स्टूडियो और उसके फाइनेंस रो पर वित्तीय प्रभाव कम हो जाएगा एक स्टूडियो प्रवक्ता ने कहा कि बजट दो मिलियन डॉलर था प्रचार के लिए 150 मिलियन डॉलर के साथ कहानी का अंत फिल्म आने अवतार के लिए मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2007 में लॉस एंजल्स और वेलिंगटन में शुरू हुई कैमरून ने फिल्म को कंप्यूटर जनरेटेड पात्रों और लाइव वातावरण के संयोजन में पूर्ण लाइव एक्शन सूट के साथ एक हाइब्रिड के रूप में वर्णित किया कैमरून ने कहा आदर्श रूप से दिन के अंत में दर्शकों को पता नहीं चलता कि वे क्या देख रहे हैं निर्देशक ने संकेत दिया कि वह पहले ही फिल्म के गैर प्रमुख दृश्यों पर चार महीने काम कर चुके हैं लाइव एक्शन को कैमरून और विंस पेस द्वारा निर्मित विकसित मालिकाना डिजिटल थ्री के फ्यूजन कैमरा सिस्टम के संशोधित संस्करण के साथ शूट किया गया था जनवरी 2007 में फॉक्स ने घोषणा की थी कि अवतार के लिए थ्री डी फिल्मांकन चौबीस फ्रेम प्रति सेकंड पर किया जाएगा जबकि कैमरून की मजबूत फॉक्स ने घोषणा की थी कि स्टॉबिक को कम ध्यान देने योग्य बनाने के लिए थ्री फिल्म के लिए उच्च फ्रेम दर की आवश्यकता होती है कैमरून के अनुसार फिल्म सिक्सटी परसेंट कंप्यूटर जनित तत्व और चालीस प्रतिशत लाइव एक्शन के साथ साथ पारंपरिक लघु चित्रों से बनी है लॉस एंजल्स में पलाया विस्टा में हूजस एयरक्राफ्ट स्टेज पर मोशन कैप्चर फिल्मोग्राफी फोटोग्राफी इकतीस दिनों तक चली लाइव एक्शन फोटोग्राफी अक्टूबर 2007 में वेलिंगटन के स्टोन स्ट्रीट स्टूडियो में शुरू हुई और इकतीस दिनों तक चलने वाली थी एक से अधिक लोगों ने उत्पादन पर काम किया फिल्मांकन दृश्यों की तैयारी में सभी अभिनेताओं ने अपने पात्रों के लिए विशिष्ट पेशेवर प्रशिक्षण लिया जैसे तीरंदाजी घुड़सवारी आगन्य अस्त्र का उपयोग और हाथ से हाथ का मुकाबला उन्होंने फिल्म के लिए बनाई गई नावी भाषा में भाषा और बोली का प्रशिक्षण प्राप्त किया फिल्म की शूटिंग से पहले कैमरून ने साउंड स्टेज पर शूटिंग से पहले वर्षावन की सेटिंग का अनुभव लेने के लिए कलाकारों को हवाई उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों में भी भेजा था फिल्मांकन के दौरान कैमरून ने अपने वर्चुअल कैमरा सिस्टम का उपयोग किया जो मोशन कैप्चर फिल्म निर्माण को निर्देशित करने का एक नया तरीका था सिस्टम वास्तविक समय में अभिनेताओं के आभासी समकक्षों को उनके डिजिटल परिवेश में दिखाता है जिससे निर्देशक को दृश्यों को समायोजित और निर्देशित करने की अनुमति मिलती है जैसे कि लाइव एक्शन की शूटिंग हो रही हो कैमरों के अनुसार यह एक बड़े शक्तिशाली गेम इंजन की तरह है अगर मैं अंतरिक्ष के माध्यम से उड़ना चाहता हूँ या अपना दृष्टिकोण बदलना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ मैं पूरे दृश्य को एक जीवित लघु चित्र में बदल सकता हूँ और इसे पचास से एक के पैमाने पर देख सकता हूँ पारंपरिक तकनीकों का उपयोग करते हुए पूरी आभासी दुनिया तब तक नहीं देखी जा सकती जब तक कि अभिनेताओं का मोशन कैप्चर पूरा नहीं हो जाता कैमरून ने कहा कि यह प्रक्रिया विनय के मूल्य या महत्व को कम नहीं करती इसके विपरीत क्योंकि बार बार कैमरा और लाइटिंग सेटअप कॉस्ट्यूम फिटिंग और मेकअप टचअप की आवश्यकता नहीं होती इसलिए दृश्यों को बार बार बाधित करने की आवश्यकता नहीं होती कैमरून ने इस प्रणाली को शुद्ध सृजन का एक रूप बताया जहाँ यदि आप किसी पेड़ या पहाड़ या आकाश को हिलाना चाहते हैं या दिन का समय बदलना चाहते हैं तो तत्वों पर आपका पूरा नियंत्रण होता है कैमरून ने साथ ही निर्देशकों स्टीवन स्पीलबर्ग और पीटर जैक्सन को नई तकनीक का परीक्षण करने का मौका दिया स्पीलबर्ग ने कहा मैं इसे डिजिटल मेकअप के रूप में सोचना पसंद करता हूँ संवर्धित एनिमेशन के रूप में नहीं मोशन कैप्चर निर्देशक को एक तरह की अंतरंगता में वापस लाता है जिसे अभिनेता और निर्देशक केवल तभी जानते हैं जब वे लाइव थिएटर में काम कर रहे होते हैं कैमरून को उपकरण के साथ प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए स्पीलबर्ग और जॉर्ज लुकास बी सेट पर जा सकें उन दृश्यों को फिल्माने के लिए जहां सीजीआई लाइव एक्शन के साथ इंटरैक्ट करता है सिमूल कैम नामक एक अद्वितीय कैमरे का उपयोग किया गया था तो थ्री फ्यूजन कैमरा और वर्चुअल कैमरा सिस्टम का विलय था सिमुल कैम के साथ वास्तविक समय में लाइव एक्शन फिल्माते समय वर्चुअल कैमरे से कैप्चर की गई या स्क्रैच से डिजाइन की गई सीजीआई छवियों को संवर्धित वास्तविकता के रूप में लाइव एक्शन छवियों पर लगाया जाता है और एक छोटे मॉनिटर पर दिखाया जाता है जिससे निर्देशक के लिए निर्देश देना संभव हो जाता है अभिनेता दृश्य में आभासी सामग्री से कैसे जुड़ें जलवायु परिवर्तन के बारे में कैमरून की व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के कारण उन्होंने सेट पर केवल पौधे आधारित शाकाहारी भोजन परोसने की अनुमति दी दृश्यात्मक प्रभाव नवाचारों में पेंडोरा के जंगल जैसे विशाल क्षेत्रों को रोशन करने के लिए एक नई प्रणाली शामिल है एक मोशन कैप्चर चरण या वॉल्यूम जो पहले इस्तेमाल किए गए किसी भी चरण से छः गुना बड़ा है और चेहरे के भावों को कैप्चर करने के एक बेहतर तरीके हैं जो पूर्ण प्रदर्शन कैप्चर को सक्षम बनाता है चेहरे को कैद करने के लिए अभिनेताओं ने व्यक्तिगत रूप से बनाई गई खोपड़ी वाली टोपियाँ पहनी जिसमें अभिनेताओं के चेहरे के सामने एक छोटा कैमरा लगा हुआ था उनके चेहरे के हाव भाव और आंखों के बारे में एकत्र की गई जानकारी को कंप्यूटर पर प्रसारित किया जाता है कैमरून के अनुसार यह फिदी फिल्म निर्माताओं को अभिनेताओं के हंड्रेड प्रतिशत शारीरिक प्रदर्शन को उनके डिजिटल समकक्षों को स्थानांतरित करने की अनुमति देती है प्रदर्शन कैप्चर डेटा के अलावा जिसे सीधे कंप्यूटर में स्थानांतरित किया गया था कई संदर्भ कैमरों ने डिजिटल कलाकारों को प्रत्येक प्रदर्शन के लिए कोण दिए प्रमुख दृश्य प्रभाव कंपनी वैलिंगटन में डिजिटल थी जिसने एक समय में फिल्म पर काम करने के लिए 900 लोगों को रोजगार दिया था बड़ी मात्रा में डेटा को संग्रहित सूचीबद्ध करने और इसमें शामिल सभी लोगों के लिए उपलब्ध होने की आवश्यकता के कारण यहाँ तक कि दुनिया के दूसरी तरफ भी गैया नामक एक नया क्लाउड कंप्यूटरिंग और डिजिटल असेट मैनेजमेंट डी सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया था विशेष रूप से अवतार के लिए जिसने क्रू को डिजिटल प्रोसेसिंग के सभी चरणों पर नज़र रखने और समन्वय करने की अनुमति दी अवतार को प्रस्तुत करने के लिए वेटा ने 930 मीटर दो दस हज़ार वर्ग फुट सर्वर फॉर्म का उपयोग किया जिसमें पैंतीस हजार प्रोफेसर कोर के साथ चार हज़ार हैवलेट पैकॉर्ड सर्वर का उपयोग किया गया है 104 सौ चार रैम और तीन पैटाबाइट नेटवर्क एरिया स्टोरेज के साथ ओबन टू लिनक्स ग्रिड इंजन चल रहा था क्लस्टर प्रबंधक और एनिमेशन सॉफ्टवेयर और प्रबंधकों में से दो पिक्सर के रेंडरमैन और पिक्सर के अल्फ्रेड कतार प्रबंधन प्रणाली रेंडर फॉर्म दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की टॉप पाँच सूची में एक से एक स्थान पर हैं द फाउंड्री द्वारा बैटा के सहयोग से हमारी नामक एक नया टेक्सचरिंग और पेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम विकसित किया गया था नावी पात्रों और पेंडोरा की आभासी दुनिया को बनाने के लिए एक पैटाबाइट से अधिक डिजिटल स्टोरेज की आवश्यकता होती है और अवतार के लिए अंतिम फुटेज का प्रत्येक मिनट सत्रह पॉइंट अट्ठाईस गीगाबाइट स्टोरेज लेता है फिल्म के एक फ्रेम को प्रस्तुत करने में कंप्यूटर को अक्सर कई घंटे लग जाते थे विशेष प्रभाव अनुक्रमों को समय पर तैयार करने में मदद करने के लिए कई अन्य कंपनियों को बोर्ड पर लाया गया है जिनमें इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक भी शामिल थी जिसने युद्ध दृश्यों को बनाने के लिए वेटा डिजिटल के साथ काम किया आई एल एम फिल्म के कई विशेष वाहनों के दृश्य प्रभावों के लिए जिम्मेदार था और उसने सी जी आई विस्फोट करने का एक नया तरीका तैयार किया जो लेटेरी फिल्म के दृश्य प्रभावों के सामान्य पर्यवेक्षक थे इस फाइल को चलाने में समस्याएं मीडिया सहायता देखें संगीतकार जेम्स हॉर्नर ने फिल्म बनाई जो एलियंस और टाइटैनिक के बाद कैमरून के साथ उनका तीसरा सहयोग था हॉर्नर ने मार्च 2008 में विदेशी भाषा नावी में एक छोटे से कोरस गायन के साथ स्कोर के कुछ हिस्सों को रिकॉर्ड किया उन्होंने विदेशी जाति के लिए एक संगीत संस्कृति बनाने के लिए एक नृवंश विज्ञानी वांडा ब्रॉन्ट के साथ भी काम किया पहला स्कोरिंग सत्र 2009 की शुरुआत में आयोजित करने की योजना बनाई गई थी प्रोडक्शन के दौरान हॉर्नर ने कैमरून से वादा किया कि वे अवतार के अलावा किसी अन्य प्रोजेक्ट पर काम नहीं करेंगे और कथित तौर पर सुबह चार बजे से दस बजे तक स्कोर पर काम किया पूरी प्रक्रिया के दौरान रात में उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा अवतार सबसे कठिन समय फिल्म रही है जिस पर मैंने काम किया है और सबसे बड़ा काम किया है हॉर्नर ने स्कोर की रचना तब की जब दो अलग अलग स्कोर एक में विलीन हो गए उन्होंने पहले एक ऐसा स्कोर बनाया जो ध्वनि के नावी तरीकों को प्रतिबंधित करता था और फिर फिल्म को आगे बढ़ाने के लिए से एक अलग पारंपरिक स्कोर के साथ जोड़ा ब्रिटिश गायिका लियोना लुइस को फिल्म का थीम गीत गाने के लिए चुना गया जिसका नाम था आई जैक नवा द्वारा निर्देशित एक सहवर्ती संगीत वीडियो का प्रीमियर पंद्रह दिसंबर दो हज़ार नौ को माई स्पेस पर हुआ विषय वस्तु और प्रेरणाएं मुख्य लेख अवतार में विषय वस्तु अवतार मुख्य रूप से साम्राज्यवाद और गहन पारिस्थिति के रूप संदर्भ में आत्मखोज की एक साहसिक यात्रा है कैमरून ने कहा कि उनकी प्रेरणा हर एक विज्ञान कथा पुस्तक जो मैंने बचपन में पढ़ी थी और वह एडगर राइस बरोज की जॉन कार्टर श्रृंखला की शैली को अद्यतन करना चाहते थे उन्होंने स्वीकार किया कि अवतार की थीम एट प्ले इन द फील्ड्स ऑफ द लॉर्ड द एमरोल्ड फॉरेस्ट और प्रिंसेस मोनोनोके जैसी फिल्मों के साथ साझा की गई 2012 में कैमरून ने 45 पेज की कानूनी घोषणा दायर की जिसका उद्देश्य अवतार बनने वाले विचारों विशो कहानी और छवियों की उत्पत्ति का विस्तार से वर्णन करना था ऐतिहासिक घटनाओं जैसे कि अमेरिका का यूरोपीय उपनिवेशीकरण उनके जीवन के अनुभव और उनकी कई अप्रकाशित परियोजनाओं के अलावा कैमरून ने अवतार और उनकी पिछली फिल्मों के बीच संबंध बनाए उन्होंने जेनोजेनेसिस के लिए अपनी स्क्रिप्ट और अवधारणा कला का हवाला दिया जिसे आंशिक रूप से एक लघु फिल्म के रूप में निर्मित किया गया था जो कि अवतार में कई विचारों और दृश्य डिजाइनों का आधार था उन्होंने कहा कि अवतार की विश्व मन की अवधारणाएं प्रकृति के भीतर बुद्धि अवतार का उपयोग करके बलका जैसे चेतना को प्रोजेक्ट करने का विचार विदेशी ग्रहों का उपनिवेशीकरण सैन्य बल द्वारा समर्थित लालची कॉरपोरेट हित प्रचलित प्रतीत होने वाले कमजोर समूह की कहानी एक तकनीकी रूप से बेहतर बल पर और अच्छे वैज्ञानिक सबिस्थापित और आवर्ती विषय थे एलियंस द एबिस रैम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट सेकंड द टर्मिनेटर और टर्मिनेटर दो जजमेंटे सहित उनकी पिछली फिल्मों से उन्होंने द दायबिस में विशेष रूप से अवतार के उदाहरण के रूप में वाटर टेंटेकल का उल्लेख किया है जो सांस्कृतिक अंतर को पाटने और विश्वास बनाने के लिए एक विदेशी जीवन रूप का रूप धारण करता है कैमरून ने अवतार के लिए संदर्भ बिंदु और प्रेरणा के स्रोत के रूप में अन्य रचनाकारों के कई कार्यों का भी हवाला दिया इनमें उनकी दो पसंदीदा फिल्में शामिल हैं दो हजार एक जहाँ मानव जाति विदेशी जीवन से मिलने के बाद एक विकास का अनुभव करती है और लॉरेंस ऑफ अरबिया एक एक बाहरी व्यक्ति एक विदेशी संस्कृति का सामना करता है और उसमें डूब जाता है और फिर अंततः उसमें शामिल हो जाता है अन्य बाहरी लोगों से लड़ने के लिए समूह कैमरून ने कहा कि वह जॉर्ज हैंनरी स्मिथ की लघु कहानी इन द दिकॉर्न और ऑर्थर सी क्लार्क के उपन्यास द सिटी एंड द स्टार्स से दूसरी दुनिया के अंदर सिंथेटिक अवतार संचालित करने वाले मानव की अवधारणा से परिचित हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने अवतार शब्द को विलियम गिब्सन के साइबर पंक उपन्यास न्यूरोमैंसर और ब्रूस स्टर्लिंग के इन द नेट को पढ़कर सीखा 2007 में टाइम पत्रिका के साथ एक साक्षात्कार में कैमरून से अवतार शब्द के अर्थ के बारे में पूछा गया था जिस पर उन्होंने जवाब दिया यह हिंदू देवताओं में से एक का देह रूप धारण करने वाला अवतार है इस फिल्म में इस है कि मानव प्रौद्योगिकी भविष्य में मनो की बुद्धि को दूर स्थित शरीर जैविक शरीर में इंजेक्ट करने में सक्षम है कैमरून ने जापानी साइबर पंख मंगा और एनिमे घोष्ट इंदा शैल का भी हवाला दिया कि कैसे मनुष्य दूर से नियंत्रण कर सकते हैं और अपने व्यक्तित्व को विदेशी निकायों से स्थानांतरित कर सकते हैं जैक का अवतार और नैतरी नावी के लुक की प्रेरणा एक सपने से मिली जिसके बारे में कैमरून की माँ ने उसे बताया था नावी पैंडोरा के मूल निवासी ह्यूमनॉइड का लुक कैमरून की मां के एक सपने से प्रेरित था जो उन्होंने अवतार पर काम शुरू करने से बहुत पहले देखा था अपने सपने में उसने 12 फीट चार मीटर लंबी एक नीली चमड़ी वाली महिला को देखा जिसे उसने एक तरह की अच्छी छवि माना साथ ही उन्होंने कहा मुझे नीला रंग पसंद है यह एक अच्छा रंग है साथ ही इसका हिंदू देवताओं से संबंध है जो मुझे वैचारिक रूप से पसंद है उन्होंने अपनी पहली पटकथा 1976 या 1977 में लिखी गई में ऐसे ही प्राणियों को शामिल किया जिसमें भव्य लंबे नीले एलियंस की मूल आबादी वाले ग्रह को दिखाया गया था नावी उन पर आधारित थे पात्रों जैक और नैतरी के बीच की प्रेम कहानी के लिए कैमरून ने एक स्टार क्रॉस प्रेम विषय लागू किया जिसके बारे में उन्होंने कहा कि यह रोमियो और जूलियट की परंपरा में था उन्होंने अपनी फिल्म टाइटैनिक में जैक और रोज की जोड़ी से इसकी समानता स्वीकार की एक साक्षात्कारकर्ता ने कहा दोनों जोड़े बिल्कुल अलग अलग संस्कृतियों से आते हैं जो उनके रिश्ते के प्रति अपमानजनक हैं और प्रतिस्पर्धी समुदायों के बीच पक्ष चुनने के लिए मजबूर हैं कैमरून ने नैति को अपना पोका होंट्स बताते हुए कहा कि उनकी कथानक एक श्वेत बाहरी व्यक्ति मुखिया की बेटी से प्यार हो जाता है जो जनजाति और प्रकृति के साथ उनके विशेष बंधन के लिए उसकी मार्गदर्शक बन जाती है कि ऐतिहासिक कहानी का अनुसरण करती है कैमरून को लगा कि जैक और नैतीरी की प्रेम कहानी को विश्वसनीय माना जाएगा या नहीं यह आंशिक रूप से नतीरी की विदेशी उपस्थिति के शारीरिक आकर्षण पर निर्भर है जिसे कलाकारों के सभी पुरुष दल के लिए उनकी अपील पर विचार करके विकसित किया गया था हालांकि कैमरून को लगा कि जैक और नैतीरी तुरंत प्यार में नहीं पड़ जाते लेकिन उनके चित्रकारों वर्थिंगटन और सलदाना को लगा कि किरदार ऐसा करते हैं वेलिंगटन ने कहा कि कैमरून ने फिल्मांकन के दौरान दोनों कलाकारों के बीच बहुत अच्छी थी जंगल के बीच में एक भूरा पहाड़ पेंडोरा शान पहाड़ों से प्रेरित थे जांग राष्ट्रीय वन पार्क फिल्म के तैरते हाल लुजा पर्वत के लिए डिजाइनरों ने कई अलग अलग प्रकार के पहाड़ों लेकिन मुख्य रूप से चीन में कास्ट पत्थर संरचनाओं से प्रेरणा ली प्रोडक्शन डिजाइनर डायलन कोल के अनुसार काल्पनिक तैरती चट्टाने शॉन जिसे येलो माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है गुई झांग जियाजी और दुनिया भर के अन्य लोगों से प्रेरित थी कैमरून ने तैरते पहाड़ों के डिजाइन पर चीनी चोटियों के प्रभाव को नोट किया था पेंडोरा पर मानव खनन कॉलोनी के अंदरूनी हिस्से को बनाने के लिए प्रोडक्शन डिजाइनरों ने जून 2007 के दौरान मैक्सिको की हाँ लेकिन साथ ही एक विवेक भी हो कि शायद इसका आनंद लेने में आपको अपने बातचीत करने के तरीकों में थोड़ा सोचने पर मजबूर होना पड़े प्रकृति और अपने साथी मनुष्य के साथ उन्होंने आगे कहा कि ना भी कुछ ऐसी चीज़ों का प्रतिनिधित्व करता है जो हमारे उच्च स्व या हमारी आकांक्षात्मक स्वयं है जो हम सोचना चाहते हैं कि हम हैं और भले ही फिल्म के भीतर अच्छे इंसान हैं इंसान उस चीज़ का प्रतिनिधित्व करते हैं जो हम जानते हैं हम अपने ही वे हिस्से हैं जो हमारी दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं और शायद खुद को एक गंभीर भविष्य के लिए दोषी ठहरा रहे हैं कैमरन स्वीकार करते हैं कि अवतार इराक युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका की भूमिका और सामान्य रूप से मशीनीकृत युद्ध की अवैया प्रकृति की स्पष्ट रूप से आलोचना करता है फिल्म में सदमा और विस्मय शब्द के उपयोग के संदर्भ में कैमरून ने कहा हम जानते हैं कि मिसाइलों को लॉन्च करना कैसा लगता है हम नहीं जानते कि हमारी घरेलू धरती पर उनका उतरना कैसा लगता है अमेरिका में नहीं उन्होंने बाद के साक्षात्कारों में कहा मुझे लगता है कि इस प्रणाली पर सवाल उठाना बहुत देशभक्तिपूर्ण है जिसे नियंत्रित करने की आवश्यकता है और फिल्म निश्चित रूप से अमेरिकी विरोधी नहीं है फिल्म के एक दृश्य में विशाल नावी होमट्री के हिंसक विनाश को दर्शाया गया है जो एक मिसाइल हमले के बाद आग की लपटों में डह जाता है जिससे परिदृश्य राख और तैरते अंगारों से भर जाता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 11 सितंबर के हमले से दृश्य की समानता के बारे में पूछे जाने पर कैमरन ने कहा कि वह इस बात से आश्चर्यचकित थे कि यह 11 सितंबर को कितना समान लग रहा था विपणन प्रचार 2009 में सैन डिएगो कॉमिक कॉन में अवतार का प्रचार करते हुए जेम्स कैमरून अवतार जेम्स कैमरून के अवतार के रूप में विपणन 2009 की एक महाकाव्य विज्ञान कथा फिल्म है जो जेम्स कैमरून द्वारा निर्देशित लिखित सहनिर्मित और सहसंपादित है और इसमें सैम वर्थिंगटन जो सल्दाना स्टीफन लैंग मिशेल रॉड्रिक्स और सिगोर्नी वीवर ने अभिनय किया है यह अवतार फिल्म श्रृंखला की पहली किश्त है यह बाईसवीं सदी के मध्य में स्थापित है जब मनुष्य मूल्यवान खनिज अन ओपटेनियम का खनन करने के लिए अल्फा सेंचोरी तारा प्रणाली में एक गैस विशाल कहरे भरे रहने योग्य चंद्रमा पेंडोरा का उपनिवेश कर रहे थे एक अनन कॉलोनी के विस्तार से नाविक की एक स्थानीय जनजाति के निरंतर अस्तित्व को खतरा है जो पेंडोरा की मूल निवासी एक मानव प्रजाति है फिल्म का शीर्षक आनुवंशिक रूप से इंजीनियर के किए गए नावी शरीर जो दूर स्थित मानव के मस्तिष्क से संचालित होता है जिसका उपयोग पेंडोरा के मूल निवासियों के साथ बातचीत करने के लिए किया जाता है अवतार का विकास उन्नीस में शुरू हुआ जब जेम्स कैमरून ने फिल्म के लिए 80 पेज का ट्रीटमेंट लिखा फिल्मांकन कैमरून की उन्नीस सौ की फिल्म टाइटैनिक के पूरा होने के बाद उन्नीस में नियोजित रिलीज़ के लिए होना था हालांकि कैमरून के अनुसार फिल्म के बारे में उनके दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए आवश्यक तकनीक अभी तक उपलब्ध नहीं थी नावी की भाषा पर काम 2005 में शुरू हुआ और कैमरून ने 2006 की शुरुआत में पटकथा और काल्पनिक ब्रह्मांड का विकास शुरू किया नए की अभूतपूर्व श्रृंखला के कारण अवतार का आधिकारिक तौर पर बजट दो मिलियन डॉलर था कैमरून ने वेलिंगटन में वेटा डिजिटल के सहयोग से दृश्य प्रभाव हासिल किया अन्य अनुमानों के अनुसार उत्पादन के लिए लागत डॉलर दो मिलियन से डॉलर तीन मिलियन के बीच और प्रचार के लिए डॉलर एक मिलियन के बीच है फिल्म में नई मोशन कैप्चर फिल्मांकन तकनीकों का व्यापक उपयोग किया गया और इसे पारंपरिक देखने थ्री देखने रियल डी थ्री डी डॉल बी थ्री डी थ्री डी और आई एम प्रारूपों का उपयोग करके और फोर डी के लिए जारी किया गया चयनित दक्षिण कोरियाई थिएटरों में अनुभव अवतार का प्रीमियर 10 दिसंबर 2009 को लंदन में हुआ और इसे सकारात्मक समीक्षा के साथ 18 दिसंबर 2009 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया आलोचकों ने इसके अभूतपूर्व दृश्य प्रभावों की अत्यधिक प्रशंसा की हालांकि कहानी को पूर्वानुमित माना गया था अपने नाटकीय प्रदर्शन के दौरान फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए जिसमें अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनना भी शामिल है जुलाई 2019 में इस स्थान को एवेंजर्स एंड गेम ने पीछे छोड़ दिया लेकिन बाद में पुनः रिलीज के साथ मार्च 2021 में चीन से शुरुआत करते हुए यह तब से सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई मुद्रास्फीति के लिए समायोजित अवतार गॉन विद द विंड के बाद अब तक की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है जिसकी कुल कमाई डॉलर तीन पॉइंट पाँच बिलियन से थोड़ी अधिक है यह डॉलर दो बिलियन से अधिक की कमाई करने वाली पहली फ़िल्म है जिसकी कुल कमाई डॉलर तीन पॉइंट पाँच बिलियन से थोड़ी अधिक है डॉलर दो बिलियन से अधिक की कमाई करने वाली फ़िल्म और संयुक्त राज्य अमेरिका में दो का सबसे अधिक बिकने वाला वीडियो खिताब भी बन गई अवतार को बयासीवें अकेडमी पुरस्कारों में नौ पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था जिसमें से उसने तीन पुरस्कार जीते और कन्या अन्य पुरस्कार प्राप्त किए फिल्म की सफलता के कारण इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं ने थ्री टेलीविज़न जारी किए और थ्री फिल्मों की लोकप्रियता में वृद्धि हुई इसकी सफलता से अवतार फ्रेंचाइजी का निर्माण हुआ जिसमें सिक्वल अवतार द वे ऑफ वाटर 2022 अवतार तीन 2025 अवतार चार और अवतार पाँच 2031 शामिल हैं कथानक इक्कीस में पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो गए और पारिस्थितिक विनाश का सामना कर रहे हैं रिसोर्सेज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन आर डी ए अल्फा सेंचुरी तारा प्रणाली के एक चंद्रमा पेंडोरा पर मूल्यवान खनिज यूनो बटेनियम का खनन करता है पेंडोरा जिसका वातावरण मनुष्यों के लिए दुर्गम है दस फुट लंबे तीन पॉइंट जीरो मीटर नीली चमड़ी वाले बुद्धिमान ह्यूमनॉइड नावी का निवास है जो प्रकृति के साथ सदभाव में रहते हैं पेंडोरा का पता लगाने के लिए अनुचित रूप से मेल खाने वाले मानव वैज्ञानिक अवतार नामक नावी मानव संकर का उपयोग करते हैं पैराप्लेजिक मरीन जैक सुली को उसके मृत समान जुड़वा को बदलने के लिए पेंडोरा भेजा जाता है जिसने ऑपरेटर बनने के लिए साइन अप किया था अवतार कार्यक्रम के प्रमुख डॉक्टर ग्रेस ऑक्स्टीन सुली को अपर्याप्त मानते हैं लेकिन उसे अंगरक्षक के रूप में स्वीकार करते हैं ग्रेस और डॉक्टर नॉर्म स्पेलमैन के अवतारों की रक्षा करते समय जैक के अवतार पर पांडोरन वन्य जीवन द्वारा हमला किया जाता है और वह जंगल में भाग जाता है जहां उसे मादा नावी ने तेरी द्वारा बचाया जाता है जैक पर संदेह करते हुए उसे अपने कबीले में ले जाती है नतीरी की माँ माओत कबीले की आध्यात्मिक नेता अपनी बेटी को जैक को उनके समाज में शामिल करने का आदेश देती है आरडीए के सुरक्षा बल के प्रमुख कर्नल माइस क्वारि जैक के वादा करते हैं कि अगर वैनावी और उनके एकत्रित होने की जगह विशाल होम ट्री जिसके तहत यूनो बटेनियम का एक समृद्ध भंडार है के बारे में जानकारी प्रदान करता है तो कंपनी उसके पैरों का उपयोग बहाल कर देगी यह जानकर ग्रेस खुद को जैक और नाम को एक चौकी में स्थानांतरित कर देती है जैसे ही जैक को जनजाति में शामिल किया गया जैक और नैतरी को प्यार हो गया वह और नैती एक दूसरे को साथी के रूप में चुनते हैं जब जैक एक पवित्र नावी साइट को धमकी देने वाले बुलडोजर को निष्क्रिय करने का प्रयास करता है तो प्रशासक पार्कर सेल्फ्रिज होम ट्री को नष्ट करने का आदेश देता है ग्रेस के तर्क के बावजूद कि होम ट्री को नष्ट करने से पेंडोरा के जैविक तंत्रिका नेटवर्क को नुकसान हो सकता है सेल्फ्रिज ने जैक और ग्रेस को नावी को खाली करने के लिए मनाने के लिए एक घंटे का समय दिया जैक कबूल करता है कि वह एक जासूस था और नावी ने उसे और ग्रेस को बंदी बना लिया क्वारिज के सैनिकों ने होम ट्री को नष्ट कर दिया जिसमें नतीवरी के पिता कबीले प्रमुख सहित कई लोग मारे गए मोआट ने जैक और ग्रेस को मुक्त कर दिया लेकिन वे अपने अवतारों से अलग हो गए और क्वारिज की सेना द्वारा कैद कर लिए गए पायलट टूडी चाकोन क्वारिज की क्रूरता से निराश होकर जैक ग्रेस और नॉम को ग्रेस की चौकी पर ले जाता है भागने के दौरान ग्रेस को गोली मार दी गई जैक ने अपने दिमाग को टोरुक से जोड़कर नावी का भरोसा दोबारा हासिल कर लिया जो एक ड्रैगन जैसा प्राणी है जिससे नावी डरता था और उसका सम्मान करता था आत्माओं के पवित्र वृक्ष पर जैक ग्रेस को ठीक करने के लिए मोआट से विनती करता है कबीले ने ट्री ऑफ सोर्स की सहायता से ग्रेस को उसके अवतार में स्थानांतरित करने का प्रयास किया लेकिन वह मर गई नए प्रमुख तसुतेई द्वारा समर्थित जैक ने कबीले को एकजुट किया और उनसे आर से लड़ने के लिए सभी कूलों को इकट्ठा करने के लिए कहा क्वारिच नेवी को हतोत्साहित करने के लिए ट्री ऑफ सोल्स के खिलाफ हड़ताल का आयोजन करता है युद्ध से पहले जैक आत्माओं के वृक्ष के साथ तंत्रिका संबंध के माध्यम से नावी देवता इवा से प्रार्थना करता है लड़ाई में भारी हताहतों में तसूते और ट्रडी भी शामिल है नावी को तब बचाया जाता है जब पेंडोरन वन्य जीव अप्रत्याशित रूप से हमले में शामिल हो जाते हैं और मनुष्यों पर हावी हो जाते हैं जिसे नैतिरिनेईवा द्वारा जैक की प्रार्थना का उत्तर देने के रूप में व्याख्या की है एम पी सूट पहने क्वारीज अपने दुर्घटनाग्रस्त विमान से बच जाता है और जैक के मानव शरीर वाले अवतार लिंक यूनिट को तोड़ देता है जिससे वह पेंडोरा के जहरीले वातावरण के संपर्क में आ जाता है जैसे ही कुआरि जैक के अवतार का गला काटने की तैयारी करता है उसे नैतरी द्वारा मार दिया जाता है जो जैक को पहली बार उसके मानव रूप को देख दम घुटने से बचाता है जैक नॉर्म और कुछ चुनिंदा अन्य लोगों को छोड़कर सभी मनुष्यों को पेंडोरा से निष्कासित कर दिया गया है ट्री ऑफ सोल्स की सहायता से जैक को स्थायी रूप से उसके अवतार में स्थानांतरित कर दिया गया है ढालना अधिक जानकारी अवतार का काल्पनिक ब्रह्मांड सैम वर्थिंग डन बाएँ और जो सल्ताना दाएं जो फिल्म में मुख्य भूमिका निभाते हैं सैम वर्थिंग डन कारपोरल जैक सूली के रूप में एक विकलांग पूर्व मरीन जो अपने जुड़वा भाई की हत्या के बाद अवतार कार्यक्रम का हिस्सा बन जाता है उनकी सैन्य पृष्ठभूमि नावी योद्धाओं को उनसे जुड़ने में मदद करती है दुनिया भर में होनहार युवा अभिनेताओं की तलाश के बाद कैमरून ने ऑस्ट्रेलियाई अभिनेता को कास्ट किया और बजट कम रखने के लिए अज्ञात कलाकारों को प्राथमिकता दी वर्थिंगटन जो उस समय अपने कार में रह रहे थे ने विकास की शुरुआत में दो बार ऑडिशन दिया सत्यापन में विफल और उन्होंने संभावित सिक्वल के लिए हस्ताक्षर किए हैं कैमरून को लगा कि चूँकि वर्थिंगटन ने कोई बड़ी फिल्म नहीं की है इसलिए वह चरित्र को एक ऐसी गुणवत्ता देंगे जो वास्तव में वास्तविक हो कैमरून ने कहा कि उनमें एक ऐसे व्यक्ति होने का गुण है जिसके साथ आप बियर पीना चाहेंगे और वह अंततः एक ऐसा नेता बन जाता है जो दुनिया को बदल देता है सत्यापन विफल कैमरून ने फिल्म के मुनाफे में दस प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ मैट डैमन को भूमिका की पेशकश की लेकिन डायमंड ने बॉन फिल्म श्रृंखला के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के कारण फिल्म को ठुकरा दिया वर्थिंगटन भी संक्षेप में जैक के मृत समान जुड़वा टॉमी के रूप में दिखाई देता है जो सल्ताना नेतरी नेता तस काहा मो आटाइट के रूप में ओमा टिकाया कहानी के केंद्र में नावी कबीला के नेताओं की बेटी है वह जैक की बहादुरी के कारण उसकी ओर आकर्षित होती है हालांकि वह उसके भोलेपन और मूर्खता के कारण उससे निराश होती है वह जैक की प्रेमिका के रूप में काम करती है वह चरित्र सभी नावी की तरह प्रदर्शन कैप्चर का उपयोग करके बनाया गया था और इसका दृश्य पहलू पूरी तरह से कंप्यूटर से तैयार किया गया है सल्दाना ने संभावित सिक्वल के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए स्टीफन लैंग कर्नल माइल्स क्वारिज के रूप में खनन अभियान के सुरक्षा विवरण के प्रमुख मानव के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं किए गए किसी भी जीवन के प्रति उसकी घोर अपेक्षा के कारण उसके मन में पेंडोरा के निवासियों के प्रति गहरी उपेक्षा है जो उसके कार्य और उसकी भाषा दोनों में स्पष्ट है लैंग ने कैमरून की एलियंस उन्नीस तो में एक भूमिका के लिए असफल ऑडिशन दिया था लेकिन निर्देशक ने लैंग को याद किया और अवतार के लिए उनकी तलाश की माइकल वीहन जिन्होंने एलियंस द टर्मिनेटर और टर्मिनेटर दो जजमेंट डे में कैमरून के साथ काम किया था जो इस भूमिका के लिए संक्षेप में विचार किया गया था उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी और कैमरून के साथ कुछ थ्री फुटेज देखे लेकिन अंततः उन्हें कास्ट नहीं किया गया टू चाकोन के रूप में मिशेल रॉड्रिक्स एक लड़ाकू पायलट जिसे अवतार कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए नियुक्त किया गया था जो नावी के प्रति सहानुभूति रखता है कैमरून रोड्रिग को गल्फ फाइट में देखने के बाद से ही उसके साथ काम करना चाहते थे पार्कर सेल्फ्रिज के रूप में जियोवन रिप्सी आर खनन ऑपरेशन के लिए कॉरपोरेट प्रशासक हालांकि वह पहले तो कंपनी की निचली रेखा को बनाए रखने के लिए नावी सभ्यता को नष्ट करने को तैयार हैं लेकिन वह नावी पर हमलों को अधिग्रहित करने और उसकी छवि को धूमिल करने के लिए अनिच्छुक हैं इसके बाद ही वह ऐसा कर सकता है क्वारिज ने उसे समझाया कि यह आवश्यक है और हमले मानवीय होंगे जब हमलों को बेस पर प्रसारित किया जाता है तो सेल्फ्रेज हिंसा प्रदर्शित करता है डॉक्टर नॉर्म स्पेलमैन के रूप में जॉयल डेविड मोर एक जेनो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो अवतार कार्यक्रम के हिस्से के रूप में पौधों और जानवरों के जीवन का अध्ययन करते हैं वह जैक के साथ ही पेंडोरा पहुंचता है और एक अवतार का संचालन करता है हालांकि उनसे नावी के साथ रायनिक संपर्क का नेतृत्व करने की उम्मीद की जाती है लेकिन यह पता चलता है कि जैक के पास मूल निवासियों का सम्मान जीतने के लिए बेहतर व्यक्तित्व है मूर ने स्पैलमैन के नावी अवतार को भी चित्रित किया है मो आर्ट के रूप में सी सी एच पाउंडर टिकिया के आध्यात्मिक नेता नेतिरी की माँ और कबीले नेता ई टुकन की पत्नी हम कौन ते तस्काहा कमू निटान ओमा टिकिया के कबीले नेता नेतिरी के पिता और मोआट के साथी के रूप में अध्ययन करते हैं तसुते ते रोंगोला अटे इतान के रूप में लाज अलोंसो ओमा टिकाया का सबसे बेहतरीन योद्धा व जनजाति के मुखिया पद का उत्तराधिकारी है फिल्म की कहानी की शुरुआत में उसकी मंगनी तेरी से होती है डॉक्टर ग्रेस ऑक्सटीन के रूप में सिगोर ने बीवर एक एक्सोबायोलॉजिस्ट और अवतार कार्यक्रम के प्रमुख है वसूली की गुरु भी है और नावी के साथ शांतिपूर्ण संबंधों की समर्थक भी है उन्होंने उन्हें अंग्रेजी सिखाने के लिए एक स्कूल की स्थापना की है बीवर ने ग्रेस के नावी अवतार को भी चित्रित किया है डॉक्टर मैक्स पटेल के रूप में दिलीप राव एक वैज्ञानिक जो अवतार कार्यक्रम में काम करते हैं और आर के खिलाफ जैक के विद्रोह का समर्थन करने आते हैं मैट गैरालपोरल लाइल वैन फ्लेट के रूप में एक भाड़े का मानव सैनिक जो क्वारिज के दाहिने हाथ के रूप में आर के लिए काम करता है इसके अतिरिक्त एलिसिया वेला वैली टेरांगी कबीले के नेता इकैनी सायला युवा शिकारियों में से एक जो जैक के साथ उसके इक निमाया के दौरान जाती है और एक बार में उत्पीड़ित गौरी महिला के रूप में दिखाई देती है जिसका जैक बचाव करता है वेला वैली ने जो सलदाना के लिए स्टंट डबल के रूप में काम किया और बाद में अवतार द वे ऑफ वाटर में जेडिनसर को चित्रित किया टेरिनोट्री जिन्होंने स्टंट भी किया मोशन कैप्चर के माध्यम से बंशीज बजाते हैं दिसंबर 2009 में हॉलीवुड वॉक ऑफ नेम फेम पर निर्देशक लेखक और निर्माता जेम्स कैमरून उन्नीस में निर्देशक जेम्स कैमरून ने अवतार के लिए 80 पन्नों की एक पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने अपने बचपन में पढ़ी गई हर एक विज्ञान कथा पुस्तक के साथ साथ एडगर राइस बरोज और एच राइडर हैगॉर्ड के साहसिक उपन्यासों से प्रेरणा ली जब वह 19 वर्ष के थे तब उन्हें सपने में फिल्म के कुछ हिस्से भी आए थे उन्होंने फाइबर ऑप्टिक पेड़ों फैन चिपकलियों, बायोल्यूमिनसेंट कणों वाली एक नदी और बैंगनी काई के साथ एक बायोल्यूमिनसेंट जंगल का सपना देखा था जो किसी के कदम रखने पर चमक उठता था जब वह उठे तो उन्होंने इस दृश्य का चित्र बनाया और बाद में उसे फिल्म में इस्तेमाल किया अगस्त उन्नीस में कैमरून ने घोषणा की कि टाइटैनिक को पूरा करने के बाद वह अवतार फिल्म बनाएंगे जिसमें सिंथेटिक या कंप्यूटर जनित अभिनेताओं का उपयोग किया जाएगा इस परियोजना की लागत डॉलर सौ मिलियन होगी और इसमें प्रमुख भूमिकाओं में कम से कम छः अभिनेता शामिल होंगे जो वास्तविक प्रतीत होते हैं लेकिन भौतिक दुनिया में मौजूद नहीं है विजुअल इफेक्ट हाउस डिजिटल डोमेन जिसके साथ कैमरून की साझेदारी है इस परियोजना में शामिल हो गया जिसे उन्नीस सौ निन्यानवे के रिलीज़ के लिए उन्नीस सौ सत्तानवे के मध्य में उत्पादन शुरू करना था हालांकि कैमरून को लगा कि तकनीक ने उस कहानी और दृष्टिकोण को उनको नहीं पकड़ा है जिसे वह बताना चाहते थे उन्होंने अगले कुछ वर्षों तक चित्र बनाने और प्रौद्योगिकी को परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया ब्लूमबर्ग बिजनेस वीक की कवर स्टोरी में यह खुलासा हुआ कि बीसवीं सेंचुरी फॉक्स ने अवतार के लिए एक प्रूफ ऑफ़ कंसेप्ट क्लिप फिल्माने के लिए कैमरून को 10 मिलियन डॉलर देने का वादा किया था जिसे उन्होंने अक्टूबर 2005 में फॉक्स के अधिकारियों को दिखाया था फरवरी 2006 में कैमरून ने खुलासा किया कि उनकी फिल्म प्रोजेक्ट 880 अवतार का एक नया संस्करण थी एक फ़िल्म जिसे उन्होंने वर्षों पहले बनाने की कोशिश की थी कंप्यूटर जनित पात्रोग किंग के निर्माण में तकनीकी प्रगति का हवाला देते हुए कॉन्ग और डेवी जोन्स कैमरून ने पिछले वर्ष पाँच दिवसीय कैमरा परीक्षण पूरा करने के बाद अपने प्रोजेक्ट बैटल एंजल के साथ स्थान पर अवतार को चुना था विकास जनवरी से अप्रैल 2006 तक कैमरून ने पटकथा पर काम किया और फिल्म के एलियंस नावी के लिए एक संस्कृति विकसित की उनकी भाषा यू एस सी के भाषाविद पॉल फ्रॉमर द्वारा बनाई गई थी नावी भाषा में लगभग एक हज़ार शब्दों का शब्दकोश है जिसमें से लगभग तीस कैमरून द्वारा जोड़े गए हैं जीव के स्वरों में विशेषण व्यंजन जैसे कि एस के एक्स ऑंग में के एक्स शामिल है जो अमहारिक में पाए जाते हैं और प्रारंभिक एनर्जी जो कैमरून ने तो रेओ माओरी से लिया होगा अभिनेत्री सिगोर्नी बीवर और फिल्म के साथ डिज़ाइनरों ने वनस्पति विज्ञानियों द्वारा पौधों के अध्ययन और नमूने लेने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधियों के बारे में जानने और समझने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय रिवर साइड में प्लांट फिजियोलॉजी के प्रोफेसर जोड़ी एस होल्ड से मुलाकात की फिल्म में पेंडोरा जीवों के बीच संचार को दर्शाया गया है 2005 से 2007 तक कैमरून ने चित्रों और भौतिक मूर्तियों के साथ नावे के डिज़ाइन को आकार दिया है प्रसिद्ध फैंटासी चित्रकार वैन बार्लो और प्रसिद्ध अवधारणा कलाकार जोड्रू शैल सहित कुछ डिज़ाइनरों के साथ काम किया जब कैमरून को लगा कि थ्री ब्रश रेंडरिंग की जा सकती है उनकी दृष्टि पर कब्जा न करते हुए अक्सर कैमरून के मालिबू घर की रसोई में एक साथ काम करते हैं जुलाई 2006 में कैमरून ने घोषणा की कि वह अवतार फिल्म को 2008 के मध्य में रिलीज़ करेंगे और फरवरी 2007 तक स्थापित कलाकारों के साथ मुख्य फोटोग्राफी शुरू करने की योजना बनाई अगले अगस्त में विजुअल इफेक्ट्स स्टूडियो वेटा डिजिटल ने कैमरून को अवतार के निर्माण में मदद करने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किया स्टैन विंस्टन जिन्होंने पहले कैमरून के साथ सहयोग किया था फिल्म के डिज़ाइन में मदद करने के लिए अवतार में शामिल हुए फिल्म के निर्माण डिज़ाइन में कई साल लग गए फिल्म में दो अलग अलग प्रोडक्शन डिजाइनर और दो अलग अलग कला विभाग थे जिनमें से एक पेंडोरा की वनस्पतियों और जीवों पर केंद्रित था और दूसरा जिसने मानव मशीनों और मानव कारकों का निर्माण किया सितंबर 2006 में कैमरून को थ्री में फिल्मांकन के लिए अपने स्वयं के रियलिटी कैमरा सिस्टम का उपयोग करने की घोषणा की गई थी गहराई की अनुभूति पैदा करने के लिए सिस्टम एक ही कैमरा बॉडी में दो हाई डेफिनेशन कैमरों का उपयोग करेगा जब ये तैयारियां चल रही थी फॉक्स कैमरों की पिछली तस्वीर टाइटैनिक पर लागत में वृद्धि और देरी के अपने दर्दनाक अनुभव के कारण अवतार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में डगमगाता रहा टाइटैनिक के निर्माण के दौरान कैमरून ने कई पात्रों की भूमिकाओं को मिलाकर कथानक को सुव्यवस्थित करने के लिए स्क्रिप्ट को फिर से लिखा और अगर फिल्म व्यावसायिक रूप से निराशाजनक रही तो अपनी फीस में कटौती करने की पेशकश की कैमरून ने फिल्म के अनिश्चित भविष्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए सह निर्माता जॉन लैंडो के कार्यालय के बाहर एम्बर सिग्नल के साथ एक ट्रैफिक लाइट लगाई 2006 के मध्य में फॉक्स ने कहा को बिना किसी संदेह के बताया कि तो वे इस फिल्म को आगे बढ़ा रहे हैं इसलिए उन्होंने इसे अन्य स्टूडियो में खरीदना शुरू कर दिया और वॉल्ट डिजनी स्टूडियो से संपर्क किया ऑडियो आइकन्स का दिसंबर 2006 में कैमरून ने अवतार को 200 साल बाद एक ग्रह पर स्थापित एक भविष्य की कहानी पर्यावरणीय विवेक के साथ एक पुराने जमाने की जंगल साहसिक कहानी जो कहानी कहने के एक पौराणिक स्तर की आकांक्षा करती है के रूप में वर्णित किया जनवरी 2007 की प्रेस विज्ञप्ति में फिल्म में मुक्ति और क्रांति की एक भावनात्मक यात्रा के रूप में वर्णित किया गया था और कहा गया था कि कहानी एक घायल पूर्व नौसैनिक की है जो अनिच्छा से जैव विविधता से समृद्ध एक विदेशी ग्रह पर बसने और उसका दोहन करने के प्रयास में लगा हुआ है अंततः अस्तित्व की लड़ाई में स्वदेशी जाति का नेतृत्व करने के लिए पार हो गया कहानी एक संपूर्ण विश्व की होगी जिसमें काल्पनिक पौधों और प्राणियों का एक पारिस्थितिकी तंत्र और एक समृद्ध संस्कृति और भाषा वाले मूल निवासी शामिल होंगे अनुमान के अनुसार फिल्म के निर्माण की लागत लगभग डॉलर दो से तीन मिलियन और विपणन के लिए अनुमानित डॉलर 150 मिलियन है यह देखते हुए कि लगभग डॉलर 30 मिलियन टैक्स क्रेडिट से स्टूडियो और उसके फाइनेंस रो पर वित्तीय प्रभाव कम हो जाएगा एक स्टूडियो प्रवक्ता ने कहा कि बजट दो मिलियन डॉलर था प्रचार के लिए 150 मिलियन डॉलर के साथ कहानी का अंत फिल्म माने अवतार के लिए मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2007 में लॉस एंजल्स और वेलिंगटन में शुरू हुई कैमरून ने फिल्म को कंप्यूटर जनरेटेड पात्रों और लाइव वातावरण के संयोजन में पूर्ण लाइव एक्शन सूट के साथ एक हाइब्रिड के रूप में वर्णित किया कैमरून ने कहा आदर्श रूप से दिन के अंत में दर्शकों को पता नहीं चलता कि वे क्या देख रहे हैं निर्देशक ने संकेत दिया कि वह पहले ही फिल्म के गैर प्रमुख दृश्यों पर चार महीने काम कर चुके हैं लाइव एक्शन को कैमरून और विंस पेस द्वारा निर्मित विकसित मालिकाना डिजिटल थ्री के फ्यूज़न कैमरा सिस्टम के संशोधित संस्करण के साथ शूट किया गया था जनवरी 2007 में फॉक्स ने घोषणा की थी कि अवतार के लिए थ्री डी फिल्मांकन चौबीस फ्रेम प्रति सेकंड पर किया जाएगा जबकि कैमरून की मजबूत फॉक्स ने घोषणा की थी कि स्टॉबिक को कम ध्यान देने योग्य बनाने के लिए थ्री फिल्म के लिए उच्च फ्रेम दर की आवश्यकता होती है कैमरून के अनुसार फिल्म सिक्सटी परसेंट कंप्यूटर जनित तत्व और चालीस प्रतिशत लाइव एक्शन के साथ साथ पारंपरिक लघु चित्रों से बनी है लॉस एंजलिस में पलाया विस्टा में ह्यूज एयरक्राफ्ट स्टेज पर मोशन कैप्चर फिल्मोग्राफी फोटोग्राफी इकतीस दिनों तक चली लाइव एक्शन फोटोग्राफी अक्टूबर 2007 में वेलिंगटन के स्टोन स्ट्रीट स्टूडियो में शुरू हुई और इकतीस दिनों तक चलने वाली थी एक से अधिक लोगों ने उत्पादन पर काम किया फिल्मांकन दृश्यों की तैयारी में सभी अभिनेताओं ने अपने पात्रों के लिए विशिष्ट पेशेवर प्रशिक्षण लिया जैसे तीरंदाजी घुड़सवारी आगन्य अस्त्र का उपयोग और हाथ से हाथ का मुकाबला उन्होंने फिल्म के लिए बनाई गई नावी भाषा में भाषा और बोली का प्रशिक्षण प्राप्त किया फिल्म की शूटिंग से पहले कैमरून ने साउंड स्टेज पर शूटिंग से पहले वर्षावन की सेटिंग का अनुभव लेने के लिए कलाकारों को हवाई उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों में भी भेजा था फिल्मांकन के दौरान कैमरून ने अपने वर्चुअल कैमरा सिस्टम का उपयोग किया जो मोशन कैप्चर फिल्म निर्माण को निर्देशित करने का एक नया तरीका था सिस्टम वास्तविक समय में अभिनेताओं के आभासी समकक्षों को उनके डिजिटल परिवेश में दिखाता है जिससे निर्देशक को दृश्यों को समायोजित और निर्देशित करने की अनुमति मिलती है जैसे कि लाइव एक्शन की शूटिंग हो रही हो कैमरों के अनुसार यह एक बड़े शक्तिशाली गेम इंजन की तरह है अगर मैं अंतरिक्ष के माध्यम से उड़ना चाहता हूँ या अपना दृष्टिकोण बदलना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ मैं पूरे दृश्य को एक जीवित लघु चित्र में बदल सकता हूँ और इसे पचास से एक के पैमाने पर देख सकता हूँ पारंपरिक तकनीकों का उपयोग करते हुए पूरी आभासी दुनिया तब तक नहीं देखी जा सकती जब तक कि अभिनेताओं का मोशन कैप्चर पूरा नहीं हो जाता कैमरून ने कहा कि यह प्रक्रिया विनय के मूल्य या महत्व को कम नहीं करती इसके विपरीत क्योंकि बार बार कैमरा और लाइटिंग सेटअप कॉस्ट्यूम फिटिंग और मेकअप अप की आवश्यकता नहीं होती इसलिए दृश्यों को बार बार बाधित करने की आवश्यकता नहीं होती कैमरून ने इस प्रणाली को शुद्ध सृजन का एक रूप बताया जहाँ यदि आप किसी पेड़ या पहाड़ या आकाश को हिलाना चाहते हैं या दिन का समय बदलना चाहते हैं तो तत्वों पर आपका पूरा नियंत्रण होता है कैमरून ने साथ ही निर्देशकों स्टीवन स्पीलबर्ग और पीटर जैक्सन को नई तकनीक का परीक्षण करने का मौका दिया स्पीलबर्ग ने कहा मैं इसे डिजिटल मेकअप के रूप में सोचना पसंद करता हूँ संवर्धित एनिमेशन के रूप में नहीं मोशन कैप्चर निर्देशक को एक तरह की अंतरंगता में वापस लाता है जिसे अभिनेता और निर्देशक केवल तभी जानते हैं जब वे लाइव थिएटर में काम कर रहे होते हैं कैमरों को उपकरण के साथ प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए स्पीलबर्ग और जॉर्ज लुकास भी सेट पर जा सकें उन दृश्यों को फिल्माने के लिए जहां सीजीआई लाइव एक्शन के साथ इंटरैक्ट करता है सिमूल कैम नामक एक अद्वितीय कैमरे का उपयोग किया गया था तो थ्री डी फ्यूज़न कैमरा और वर्चुअल कैमरा सिस्टम का विलय था सिमुल कैम के साथ वास्तविक समय में लाइव एक्शन फिल्माते समय वर्चुअल कैमरे से कैप्चर की गई या स्क्रैच से डिजाइन की गई सीजीआई छवियों को संवर्धित वास्तविकता के रूप में लाइव एक्शन छवियों पर लगाया जाता है और एक छोटे मॉनिटर पर दिखाया जाता है जिससे निर्देशक के लिए निर्देश देना संभव हो जाता है अभिनेता दृश्य में आभासी सामग्री से कैसे जुड़ें जलवायु परिवर्तन के बारे में कैमरून की व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के कारण उन्होंने सेट पर केवल पौधे आधारित शाकाहारी भोजन परोसने की अनुमति दी दृश्यात्मक प्रभाव नवाचारों में पेंडोरा के जंगल जैसे विशाल क्षेत्रों को रोशन करने के लिए एक नई प्रणाली शामिल है एक मोशन कैप्चर चरण या वॉल्यूम जो पहले इस्तेमाल किए गए किसी भी चरण से छः गुना बड़ा है और चेहरे के भावों को कैप्चर करने के एक बेहतर तरीके हैं जो पूर्ण प्रदर्शन कैप्चर को सक्षम बनाता है चेहरे को कैद करने के लिए अभिनेताओं ने व्यक्तिगत रूप से बनाई गई खोपड़ी वाली टोपियाँ पहनी जिसमें अभिनेताओं के चेहरे के सामने एक छोटा कैमरा लगा हुआ था उनके चेहरे के हाव भाव और आंखों के बारे में एकत्र की गई जानकारी को कंप्यूटर पर प्रसारित किया जाता है कैमरून के अनुसार यह फिदी फिल्म निर्माताओं को अभिनेताओं के हंड्रेड प्रतिशत शारीरिक प्रदर्शन को उनके डिजिटल समकक्षों को स्थानांतरित करने की अनुमति देती है प्रदर्शन कैप्चर डेटा के अलावा जिसे सीधे कंप्यूटर में स्थानांतरित किया गया था कई संदर्भ कैमरों ने डिजिटल कलाकारों को प्रत्येक प्रदर्शन के लिए कोण दिए प्रमुख दृश्य प्रभाव कंपनी वेलिंगटन में डिजिटल थी जिसने एक समय में फिल्म पर काम करने के लिए 900 लोगों को रोजगार दिया था बड़ी मात्रा में डेटा को संग्रहित सूचीबद्ध करने और इसमें शामिल सभी लोगों के लिए उपलब्ध होने की आवश्यकता के कारण यहाँ तक कि दुनिया के दूसरी तरफ भी गैया नामक एक नया क्लाउड कंप्यूटरिंग और डिजिटल असेट मैनेजमेंट डी सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया था विशेष रूप से अवतार के लिए जिसने क्रू को डिजिटल प्रोसेसिंग के सभी चरणों पर नज़र रखने और समन्वय करने की अनुमति दी अवतार को प्रस्तुत करने के लिए वेटा ने 930 मीटर दो दस हजार फुट सर्वर फॉर्म का उपयोग किया जिसमें पैंतीस हजार प्रोफेसर कोर के साथ चार हज़ार हैवलेट पैकॉर्ड सर्वर का उपयोग किया गया है 104 सौ चार रैम और तीन पैटाबाइट नेटवर्क एरिया स्टोरेज के साथ ओबन टू लिनेक्स ग्रिड इंजन चल रहा था क्लस्टर प्रबंधक और एनिमेशन सॉफ्टवेयर और प्रबंधकों में से दो पिक्सर के रेंडरमैन और पिक्सर के अल्फ्रेड कतार प्रबंधन प्रणाली रेंडर फॉर्म दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की टॉप पाँच सूची में एक से एक स्थान पर हैं द फाउंड्री द्वारा बैटा के सहयोग से मारी नामक एक नया टेक्सचरिंग और पेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम विकसित किया गया था नावी पात्रों और पेंडोरा की आभासी दुनिया को बनाने के लिए एक पेटाबाइट से अधिक डिजिटल स्टोरेज की आवश्यकता होती है और अवतार के लिए अंतिम फुटेज का प्रत्येक मिनट सत्रह पॉइंट अट्ठाईस गीगाबाइट स्टोरेज लेता है फिल्म के एक फ्रेम को प्रस्तुत करने में कंप्यूटर को अक्सर कई घंटे लग जाते थे विशेष प्रभाव अनुक्रमों को समय पर तैयार करने में मदद करने के लिए कई अन्य कंपनियों को बोर्ड पर लाया गया है जिनमें इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक भी शामिल थी जिसने युद्ध दृश्यों को बनाने के लिए वेटा डिजिटल के साथ काम किया आई एल एम फिल्म के कई विशेष वाहनों के दृश्य प्रभावों के लिए जिम्मेदार था और उसने सी जी आई विस्फोट करने का एक नया तरीका तैयार किया जो लेटेरी फिल्म के दृश्य प्रभावों के सामान्य पर्यवेक्षक थे इस फाइल को चलाने में समस्याएं मीडिया सहायता देखें संगीतकार जेम्स हॉर्नर ने फिल्म बनाई जो एलियंस और टाइटैनिक के बाद कैमरून के साथ उनका तीसरा सहयोग था हॉर्नर ने मार्च 2008 में विदेशी भाषा नावी में एक छोटे से कोरस गायन के साथ स्कोर के कुछ हिस्सों को रिकॉर्ड किया उन्होंने विदेशी जाति के लिए एक संगीत संस्कृति बनाने के लिए एक नृवंश विज्ञानी वांडा ब्रांड के साथ भी काम किया पहला स्कोरिंग सत्र 2009 की शुरुआत में आयोजित करने की योजना बनाई गई थी प्रोडक्शन के दौरान हॉर्नर ने कैमरून से वादा किया कि वे अवतार के अलावा किसी अन्य प्रोजेक्ट पर काम नहीं करेंगे और कथित तौर पर सुबह चार बजे से दस बजे तक स्कोर पर काम किया पूरी प्रक्रिया के दौरान रात में उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा अवतार सबसे कठिन समय फिल्म राही है जिस पर मैंने काम किया है और सबसे बड़ा काम किया है हॉर्नर ने स्कोर की रचना तब की जब दो अलग अलग स्कोर एक में विलीन हो गए उन्होंने पहले एक ऐसा स्कोर बनाया जो ध्वनि के नावी तरीकों को प्रतिबंधित करता था और फिर फिल्म को आगे बढ़ाने के लिए से एक अलग पारंपरिक स्कोर के साथ जोड़ा ब्रिटिश गायिका लियोना लुइस को फिल्म का थीम गीत गाने के लिए चुना गया जिसका नाम था आई जैक नवा द्वारा निर्देशित एक सहवर्ती संगीत वीडियो का प्रीमियर पंद्रह दिसंबर दो हज़ार नौ को माई स्पेस पर हुआ विषय वस्तु और प्रेरणाएं मुख्य लेख अवतार में विषय वस्तु अवतार मुख्य रूप से साम्राज्यवाद और गहन पारिस्थिति के रूप संदर्भ में आत्मखोज की एक साहसिक यात्रा है कैमरून ने कहा कि उनकी प्रेरणा हर एक विज्ञान कथा पुस्तक जो मैंने बचपन में पढ़ी थी और वह एडगर राइस बरोज की जॉन कार्टर श्रृंखला की शैली को अद्यतन करना चाहते थे उन्होंने स्वीकार किया कि अवतार की थीम एट प्ले इन द फील्ड्स ऑफ द लॉर्ड द एमरोल्ड फॉरेस्ट और प्रिंसेस मोनोनोके जैसी फिल्मों के साथ साझा की गई 2012 में कैमरून ने 45 पेज की कानूनी घोषणा दायर की जिसका उद्देश्य अवतार बनने वाले विचारों विशो कहानी और छवियों की उत्पत्ति का विस्तार से वर्णन करना था ऐतिहासिक घटनाओं जैसे कि अमेरिका का यूरोपीय उपनिवेशीकरण उनके जीवन के अनुभव और उनकी कई अप्रकाशित परियोजनाओं के अलावा कैमरून ने अवतार और उनकी पिछली फिल्मों के बीच संबंध बनाए उन्होंने जेनेसिस के लिए अपने स्क्रिप्ट और अवधारणा कला का हवाला दिया जिसे आंशिक रूप से एक लघु फिल्म के रूप में निर्मित किया गया था जो कि अवतार में कई विचारों और दृश्य डिजाइनों का आधार था उन्होंने कहा कि अवतार की विश्व मन की अवधारणाएं प्रकृति के भीतर बुद्धि अवतार का उपयोग करके का से चेतना को प्रोजेक्ट करने का विचार विदेशी ग्रहों का उपनिवेशीकरण अन्य बल द्वारा समर्थित लालची कॉरपोरेट हित प्रचलित प्रतीत होने वाले कमजोर समूह की कहानी एक तकनीकी रूप से बेहतर बल पर और अच्छे वैज्ञानिक से स्थापित और आवर्ती विषय थे एलियंस द एबिस रैम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट सेकंड द टर्मिनेटर और टर्मिनेटर दो जजमेंडे सहित उनकी पिछली फिल्मों से उन्होंने दायबिस में विशेष रूप से अवतार के उदाहरण के रूप में वाटर टेंटेकल का उल्लेख किया है जो सांस्कृतिक अंतर को पाटने और विश्वास बनाने के लिए एक विदेशी जीवन रूप का रूप धारण करता है कैमरून ने अवतार के लिए संदर्भ बिंदु और प्रेरणा के स्रोत के रूप में अन्य रचनाकारों के कई कार्यों का भी हवाला दिया इनमें उनकी दो पसंदीदा फिल्में शामिल हैं दो हज़ार एक ए स्पेस ओडिसी जहाँ मानव जाति विदेशी जीवन से मिलने के बाद एक विकास का अनुभव करती है और लॉरेंस ऑफ अरबिया जहाँ एक बाहरी व्यक्ति एक विदेशी संस्कृति का सामना करता है और उसमें डूब जाता है और फिर अंततः उसमें शामिल हो जाता है अन्य बाहरी लोगों से लड़ने के लिए समूह कैमरून ने कहा कि वह जॉर्ज हैंनरी स्मिथ की लघु कहानी इन दमेजिकॉन और ऑर्थर सी क्लार्क के उपन्यास सिटी एंड द स्टार्स से दूसरी दुनिया के अंदर सिंथेटिक अवतार संचालित करने वाले मानव की अवधारणा से परिचित हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने अवतार शब्द को विलियम गिब्सन के साइबर पंक उपन्यास न्यूरोमैंसर और ब्रूस स्टर्लिंग के आइलैंड्स इन द नेट को पढ़कर सीखा 2007 में टाइम पत्रिका के साथ एक साक्षात्कार में कैमरून से अवतार शब्द के अर्थ के बारे में पूछा गया था जिस पर उन्होंने जवाब दिया यह हिंदू देवताओं में से एक का देह रूप धारण करने वाला अवतार है इस फिल्म में अर्थ यह है कि मानव प्रौद्योगिकी भविष्य में मनो की बुद्धि को दूर स्थित शरीर एक जैविक शरीर में इंजेक्ट करने में सक्षम है कैमरून ने जापानी साइबर पंख मंगा और एनिमे घोष्ट इंदा शैल का भी हवाला दिया कि कैसे मनुष्य दूर से नियंत्रण कर सकते हैं और अपने व्यक्तित्व को विदेशी निकायों से स्थानांतरित कर सकते हैं जैक का अवतार और नैतेरी नावी के लुक की प्रेरणा एक सपने से मिली जिसके बारे में कैमरून की माँ ने उसे बताया था नावी पेंडोरा के मूल निवासी ह्यूमनॉइड का लुक कैमरून की मां के एक सपने से प्रेरित था जो उन्होंने अवतार पर काम शुरू करने से बहुत पहले देखा था अपने सपने में उसने 12 फीट 4 मीटर लंबी एक नीली चमड़ी वाली महिला को देखा जिसे उसने एक तरह की अच्छी छवि माना साथ ही उन्होंने कहा मुझे नीला रंग पसंद है यह एक अच्छा रंग है साथ ही इसका हिंदू देवताओं से संबंध है जो मुझे वैचारिक रूप से पसंद है उन्होंने अपनी पहली पटकथा उन्नीस या उन्नीस में लिखी गई में ऐसे ही प्राणियों को शामिल किया जिसमें लंबे नीले एलियंस की मूल आबादी वाले ग्रह को दिखाया गया था नावी उन पर आधारित थे पात्रों जैक और नैतेरी के बीच की प्रेम कहानी के लिए कैमरून ने एक स्टार क्रॉस प्रेम विषय लागू किया जिसके बारे में उन्होंने कहा कि यह रोमियो और जूलियट की परंपरा में था उन्होंने अपनी फिल्म टाइटैनिक में जैक और रोज की जोड़ी से इसकी समानता स्वीकार की एक साक्षात्कारकर्ता ने कहा दोनों जोड़े बिल्कुल अलग अलग संस्कृतियों से आते हैं जो उनके रिश्ते के प्रति अपमानजनक हैं और प्रतिस्पर्धी समुदायों के बीच पक्ष चुनने के लिए मजबूर हैं कैमरून ने नैति को अपना पोका होन्ट्स बताते हुए कहा कि उनकी कथानक एक श्वेत बाहरी व्यक्ति मुखिया की बेटी से प्यार हो जाता है जो जनजाति और प्रकृति के साथ उनके विशेष बंधन के लिए उसकी मार्गदर्शक बन जाती है कि ऐतिहासिक कहानी का अनुसरण करती है कैमरून को लगा कि जैक और नैतीरी की प्रेम कहानी को विश्वसनीय माना जाएगा या नहीं यह आंशिक रूप से नतीरी की विदेशी उपस्थिति के शारीरिक आकर्षण पर निर्भर है जिसे कलाकारों के सभी पुरुष दल के लिए उनकी अपील पर विचार करके विकसित किया गया था हालांकि कैमरून को लगा कि जैक और नैतीरी तुरंत प्यार में नहीं पड़ जाते लेकिन उनके चित्रकारों वर्थिंग और सलदाना को लगा कि किरदार ऐसा करते हैं वेलिंगटन ने कहा कि कैमरून ने फिल्मांकन के दौरान दोनों कलाकारों के बीच बहुत अच्छी थी जंगल के बीच में भूरा पहाड़ पेंडोरा के तैरते हाले पर्वत कुछ हद तक चीनी हुआंग शान पहाड़ों से प्रेरित थे जांग राष्ट्रीय वन पार्क फिल्म के तैरते हाल लुजा पर्वत के लिए डिजाइनरों ने कई अलग अलग प्रकार के पहाड़ों लेकिन मुख्य रूप से चीन में कास्ट पत्थर संरचनाओं से प्रेरणा ली प्रोडक्शन डिजाइनर डायलन कोल के अनुसार काल्पनिक तैरती चट्टाने हुआंग शॉन जिसे येलो माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है गुई झांग जियाजी और दुनिया भर के अन्य लोगों से प्रेरित थी कैमरून ने तैरते पहाड़ों के डिजाइन पर चीनी चोटियों के प्रभाव को नोट किया था पेंडोरा पर मानव खनन कॉलोनी के अंदरूनी हिस्से को बनाने के लिए प्रोडक्शन डिजाइनरों ने जून 2007 के दौरान मेक्सिको की हाँ लेकिन साथ ही एक विवेक भी हो कि शायद इसका आनंद लेने में आपको अपने बातचीत करने के तरीकों में थोड़ा सोचने पर मजबूर होना पड़े प्रकृति और अपने साथी मनुष्य के साथ उन्होंने आगे कहा कि ना भी कुछ ऐसी चीज़ों का प्रतिनिधित्व करता है जो हमारे उच्च स्व या हमारी आकांक्षात्मक स्वयं है जो हम सोचना चाहते हैं कि हम हैं और भले ही फिल्म के भीतर अच्छे इंसान हैं इंसान उस चीज़ का प्रतिनिधित्व करते हैं जो हम जानते हैं हम अपने ही वे हिस्से हैं जो हमारी दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं और शायद खुद को एक गंभीर भविष्य के लिए दोषी ठहरा रहे हैं कैमरन स्वीकार करते हैं कि अवतार इराक युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका की भूमि